बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमर सलान। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनके हवाले से गौर करना, जिनको कंट्रोल करना या फिर जिन पर नज़र दौड़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे टॉपिक्स को आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं, माशरती तवाज़ुन के लिए कुछ कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो माशरती तरक्की से रिलेटेड ही है कि जिसमें हम ये जानेंगे कि माशरे की तरक्की में हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। हम इस माशरे के अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहते हैं तो अगर हम ये चाहते हैं तो फिर हमारी सोच जो है वो इसी तरह से इसी डायरेक्शन में चलनी चाहिए जिसमें हम कोई ना कोई किरदार अदा करें, कोई ना कोई एफर्ट करें, इसके लिए मेहनत करें। मेहनत की जब भी बात आती है तो फिर मुस्तकिल मेहनत यानी कि जदोजहद से ही हम कामयाबी की तरफ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क मज़ीद तेज़ी से तरक्की करें, हमारा मुआशरा मज़ीद तेज़ी से तरक्की करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस मुआशरे के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करें। अपने एंड से इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें किरदार अदा करना है और फिर हमें जो है वो सबके साथ मिलके जो है कलेक्टिवली भी एफर्ट करनी है और इस माशरे को एक तहजीब याफ्ता माशरा बनाना है, अपनी कौम को एक तहजीब याफ्ता कौम बनाने में अपना किरदार अदा करना है, अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर बनाना है। बहुत सारी चीज़ें जो कि माशरती तरक्की और माशरती तवाज़ुन से रिलेट करती हैं। तो जी इसमें हम किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस पे तो हम आज बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि मेरिट की क्या अहमियत है, मेरिट की ज़रूरत कितनी है अगर हम अपनी माशरती तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहते हैं, माशरे में बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहते हैं, जितनी भी नाहमवारियाँ नाचाकियाँ हैं इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस क्रिएट किया जाए, मेरिट क्रिएट किया जाए। और मेरिट कैसे क्रिएट किया जा सकता है इस पर हम फोकस करेंगे और इसके हवाले से हम जो है इन डिटेल जानेंगे कि चाहे वो एक बच्चे के स्कूल में एडमिशन के हवाले से बात हो रही हो, एक नौजवान जो कि कामयाबी हासिल करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को वो सिक्योर करना चाहता है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, वो किसी प्रोफेशन का इंतखाब कर रहा है, तो वहाँ मेरिट की क्या अहमियत है और इस अहमियत और ज़रूरत को हम कैसे वाज़े कर सकते हैं। इसके साथ साथ वही नौजवान जब किसी नौकरी के हुसूल के लिए जाता है तो वहाँ उसे कितनी ज़रूरत होती है कि वो मेरिट पर पूरा उतरे, वो किसी की हक तलफी ना करे और वो अपने हिस्से की जो उसकी जगह है, जो उसकी पोजीशन है, जो उस जिस चीज़ का वो हकदार है वो हक हासिल कर सके। कैसे करेगा इस पे भी जो है वो हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इंतहा इंटरेस्टिंग है, मौसर मनसूबाबंदी के हवाले से हम बात करेंगे कि प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और इससे हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग्स नहीं करते, कुछ मैनेज नहीं करना चाहते, कुछ प्रिपरेशन नहीं करते, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, कौन कौन सी मुश्किलात और कौन कौन से नुकसानात वो फेस करते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ उन लोगों का तस्करा भी किया जाएगा कि जो मौसर प्लानिंग के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को डायरेक्ट करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को अचीव किस तरह से फिर वो कर लेते हैं और कितनी आसान हो जाती है उनकी ज़िंदगी जब वो उसको प्लानिंग करते हैं। जब प्लानिंग के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर कौन कौन से फ़वाद हासिल कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। हमेशा कितना कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है मेरिट के हवाले से। लेकिन आप सब जानते हैं कि हम आगाज़ में बात करते हैं मौसम की, तो ये देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद के बाद बात हो जाए लाहौर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात करेंगे कराची की, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का, मैक्सिमम टेम्परेचर 38 और मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, 34 मैक्सिमम और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड।
23, गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम टेम्परेचर 24 और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, कौमी तरक्की के हवाले से और माशरती तवाजुन में मेरिट की अहमियत को जानेंगे, मेरिट की ज़रूरत पर गौर किया जाएगा। और इस पर गौर करने के लिए, बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनको आप सब जानते हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं रज़ा अहमद सुखेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रज़ा, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब आपसे, क्या कहना चाहेंगे, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, कौमी तरक्की की बात होगी, माशरती तवाज़ुन की बात होगी, मौसम में बिगड़ते हुए बिगाड़ या नाहमवारियों के हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कौमी तरक्की को मैं चाहूँगी कि हम डिस्क्राइब करें और साथ ही इस पर गौर करें कि इसमें हमने किस तरह से किरदार अदा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सच टीवी का, उसके इंतज़ामिया का, अपने मेज़बान का और इस टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपना इजहार ख्याल करने का मौका दिया। और मैं सबसे ज़्यादा मुतरफ़ हूँ उस टीम का जिसने ये मौजू चुना कि ये एक बज़ाहिर तो देखने में एक आम सा मौजू है, लेकिन इस मौजू के गर्द हमारी अपनी तरक्की, माशरे की तरक्की, मुल्क की तरक्की और हमारे दीन इस्लाम की सरबुलंदी इसमें पन्हा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेरिट है इसके बारे में सबसे पहले जो मैं एक हदीस कोट करना चाहूँगा कि आका दो जहान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ ईमान वालो, अपने भाई के लिए भी वो चीज़ पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। यानी देखें ये कितना बड़ा मेरिट है कि अपने लिए तो मैं वो चीज़ पसंद करूँ लेकिन मैं किसी दूसरे के लिए वो ना करूँ। ख़ुद तो मैं ये चाहूँ कि ये जो जॉब है इसमें 100% मेरिट हो, लेकिन जब मेरा कोई अपना रिश्तेदार हो या मेरा अपना कोई भाई हो या मेरा अपना कोई अजीज़ हो तो उस टाइम मैं इस मेरिट को बालाए ताक रख के मैं सिफारिश पे काम करूं और मैं अपने किसी अजीज़ को वहाँ भर्ती कर लूं। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हैदराबाद पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने देखा होगा कि वो जो जितनी मेम्बर्स थे वहाँ के, ये कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया था, किसी जो पार्टिसिपेंट ने इस पर कोर्ट में केस भी किया था कि जितने भी लोग थे वो सारे उन्होंने अपने लोग वहाँ पे भर्ती कर लिए। जो मेंबर था उसके दो रिश्तेदार, एक था एक साहब थे उनके तीनों के तीनों बेटे और एक बेटी उनकी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें इम्तिहान में पास हो गए। तो देखें जब इस तरह के मसाइल होंगे और जब इस तरह हम संगीन गलतियाँ करेंगे तो देखें हमारा माशरा कैसे तरक्की करेगा, फिर किस तरह से बेतहाशा महरूमियाँ पैदा होंगी। आपने देखा कि जब हम मेरिट पर जब लोगों को जॉब्स नहीं देंगे तो माशरे में क्या किस तरह का बिगाड़ पैदा होगा। मैंने बहुत अरसा पहले कहीं पढ़ा था और ये बड़ी मशहूर बात भी है, जब भी इस तरह के जो किरदार होते हैं उनके नाम वाजे नहीं होते। मैंने पढ़ा था कि सोवियत यूनियन, जिसको लोग रशिया के नाम से पहचानते हैं, कि रशिया जो है वो जब टूटा तो रशिया का एक वज़ीर था, तो उसकी मुलाकात हुई किसी जो रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे, किसी मेंबर से बात हुई तो उन्होंने उससे पूछा कि हमें पता था कि आप जो है वो रशिया में जो वज़ीर थे, लेकिन हमें पता था आप जासूस हैं, लेकिन हम आपके ख़िलाफ़ पूरी ज़िंदगी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए, तो आखिर आपको जासूसी करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो उसने कहा कि हाँ मैं बताता हूँ, मैं जासूस था, तो मैंने वाकई ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं पकड़ा जाता, बस मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक काम किया कि मैंने हर अच्छी पोस्ट पर जहाँ पर किसी अहल बंदे की ज़रूरत थी मैंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ना अहल बंदा भर्ती किया। तो आप देखें हमारे माशरे में, देखें मैं ये नहीं कहता कि सारा मुल्क ही ऐसा है और सारे डिपार्टमेंट में ऐसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ सिफारिश कल्चर और मेरिट को बिल्कुल ही बलाए ताक रख के जिन जिन महकमों को आप देख रहे हैं कि जिनमें इन चीज़ों का असर रसूख बहुत ज़्यादा है, आप देखें वो महकमे तबाही के दाने पर पहुंच गए। शायद मेरे कुछ दोस्त अहबाब या मेरे वो लोग जो पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉई हैं शायद जो है ना वो इस बात को बुरा भी महसूस करें, लेकिन ये बात बहुत बड़ी हकीकत है। मेरे फादर भी जो है ना वो पाकिस्तान स्टील में थे और सन कोटे पर मुझे भी जॉब मिल सकती थी। तो ये है कि देखें अगर मैं नाअहल हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो मैं इदारे पर बोझ ना बनूँ। देखें सन कोटा जो है वो ठीक है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया कि सन कोटा जो है ना ज़रूरी नहीं है कि किसी का अगर कोई फादर या कोई रिलेटिव रिटायर हो रहा है
तो उसके बच्चे को बेशक वो नाहिल है उसको भर्ती किया जाए मेरिट पे। पूरी दुनिया में फैसले मेरिट पे होते हैं, जो कौमें तरक्की करती हैं वो मेरिट पे करती हैं। आप जापान को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, पूरी यूरोपियन कंट्रीज जहां हम जाने के ख्वाब देखते हैं। आजकल तो चले नहीं, ऐसा हालात कोई डिफरेंट है बीमारी की वजह से, लेकिन दुनिया वहां जाने के ख्वाब देखती है, पीपल ड्रीम्स अबाउट दैट कंट्रीज। लेकिन क्या है उसकी वजह, क्या है कि वो सब कुछ मेरिट पे होता है, कोर्ट में फैसले मेरिट पे होते हैं। तो अगर आज हम कोशिश करें कि हम अपने मुल्क में मेरिट को बरकरार रखें या इसके ऊपर वर्कआउट करें, तो यकीनन आने वाले वक्त में बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। हमें उसके लिए इब्तिदा अपने पास से करनी होगी। सबसे पहले मुझे अपने ذاتی طور پہ अपने घर में मेरिट लागू करना होगा, अपने जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ मुझे वहाँ मेरिट के मुताबिक फैसले करने होंगे, मेरे जो जान पहचान, जो मैं, जो मेरे जिस भी जिंदगी के शोबे से ताल्लुक है। अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे वहाँ मेरिट पे काम करना होगा कि क्या चीज़ लोगों के लिए ज़रूरी है, मैं अपने मफाद को बाला ताक रख के जो चीज़ मेरिट पे आती है मुझे वो करनी होगी। अरे आपने बहुत अच्छी बात की कि आगाज़ सबसे पहले हमने ख़ुद से करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह से मेरिट को प्रमोट कर सकता हूँ। अगर आज मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे फेवर किया जाए, तो यकीनन आने वाले वक्त में मुझे भी किसी को फेवर करना है। रज़ा क्या कहना चाहेंगे, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, कौमी तरक्की की बात हो रही है, माशरती तवाज़ुन की बात हो रही है, मेरिट की जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने बात की, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मेरिट के हवाले से ही हम जो है वो बात को आगे लेकर जाएँ कि मेरिट की प्रमोशन, मेरिट को जो है वो प्रमोट करना, इसको स्ट्रेंथन करना, ये हम सबकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है और इसमें कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए भी हम जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। अब बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब ने जो बात की इसको अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इसमें मेरिटोक्रेसी में ये है कि तारीख से हमने क्या सीखा है, और बजाय इसके कि हम मगरबी ममालिक की तारीखों की तरफ जाएँ या और तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीख को उठा के वहाँ से हम कोटेशन लें, हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत से लेके हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के खिलाफत तक, फिर हम ऑटोमन एम्पायर से लेके मुग़ल एम्पायर तक, हम खुद ही कंपैरिजन करें, हमें समझ आती जाती है कि जहाँ मेरिटोक्रेसी थी वहाँ मुसलमान हाकिम रहे दुनिया पे, उन्होंने एग्जांपल सेट की। और मेरिटोक्रेसी ख़राब होने के बावजूद जब अंग्रेज़ों के लिए मुल्क छोड़ा तो उसका हाल ये था कि पूरी दुनिया का 20% GDP कुरा ज़मीन का ये खित्ता कंट्रीब्यूट कर रहा था, और क्यों वो जो नस्ल दर नस्ल एक अदल का निज़ाम उधर कायम किया गया था, और मेरिटोक्रेसी उसी अदल के निज़ाम के ऊपर स्टैंड करती है। लेकिन इंडिविजुअल फैक्टर के हवाले से आपने ख़ास तौर पे बात किया कि हम इनफरादी तौर पे कहाँ अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं इस मेरिटोक्रेसी के हवाले से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है, उन एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस आउट करना वो हमारे एक्शंस में ट्रांसलेट होता है, और फिर इन द एंड पूरे माशरे का एक तस्वीर कशी दुनिया के सामने आती है। करप्शन इंडेक्स में कितना फाइट कर रहे हैं, ना सिर्फ हम फाइट कर रहे हैं इस खत्ते के, बाकी ममालिक की भी बात कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये सारा पूरा खत्ता फाइट कर रहा है। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखें इन कंपेरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज या साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड देयर के वो भी इसी मेरिटोक्रेसी को फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और करप्शन इंडेक्स में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत शुरू से उस तरबियत का हिस्सा होती है, बहुत शुरू से उस तालीम और तरबियत का जो बच्चों को स्कूल से सिखाया जा रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा, बहुत ही आई ओपनिंग रहे हमारे लिए पीछे एक से डेढ़ हफ्ता ना, जॉर्ज फ्लॉयड की जो एक मौत वाकया हुई और उसके बाद जो प्रोटेस्ट पूरे अमेरिका में नज़र आए, और वो प्रोटेस्ट मेलबर्न तक गए, लंदन से पेरिस तक गए, और अब मल्टीपल स्क्रीन्स इंटरनेशनल चैनल्स को चलानी पड़ रही है टू ब्रिंग द कवरेज ब्लैक लाइव मैटर के लिए। लेकिन मैं ये सोच रहा था उस तरबियत में क्या कमी रह गई इवन कि इन तरक्की याफ्ता ममालिक में, कि नस्ल दर नस्ल मेहनत के बावजूद वाइट सुप्रमिस्ट पावर ने बाइसनेस क्रिएट की, उस बाइसनेस ने उस मेरिटोक्रेसी को चैलेंज किया, उस मेरिटोक्रेसी ने फिर अफेक्ट किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप के क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और आप सिर्फ इस्तीफे देख लें जितने ट्रंप के क्लोज लोगों ने दिए थे, और बात वापस उस मेरिटोक्रेसी पे आती है। आज मेरे ख्याल में हमारे पास तारीख रकम हो रही है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए तारीख रकम हो रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया के सबसे बड़े माशी चैम्पियन को हम गिरता हुआ देख रहे हैं, और उसकी वजह क्या नज़र आ रही है, वो वाइट सुप्रमिस्ट की बाइसनेस जो मेरिटोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही, जो एक बहुत फेमस वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ एक PhD स्कॉलर बता रहा है कि इस मुल्क को खड़े करने का
खड़े करने की बुनियाद वो वीज़ा है जो पूरी दुनिया से PhDs को टेस्ट करके लेके आता है। लेकिन आप देख लें अब किस हद तक तब्दीली की गई, फॉरनर्स को किस हद तक डिस्करेज किया गया। किसी भी माशरे में जब तक उस मेरिटोक्रेसी को ऊपर से लेके नीचे तक, कैप्टन साहब ने बात किया घर के हवाले से कि आपके घर में जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी, हम वो उस बैलेंस को नहीं लेके चलेंगे, उस माशरे के लिए वो एक्सपेक्टेशन ट्रांसलेट ही नहीं हो पाती, बिल्कुल किसी सूरत में नहीं हो पाएंगी। और तरक्की तो बहुत आगे की बात है, सस्टेनेबल तरक्की की बात कर रहे हैं आज इंडिया के लिए। इंडिया के हवाले से जब ये चैलेंजेस पढ़ाए जाते थे और हमारे प्रोफेसर हमें बताते होते थे कि सस्टेनेबल नहीं होगा चाइना के मुकाबले में, हमें समझ जाती थी 2007-08 में। लेकिन आज जब इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट हो रही हैं, आज जब दुनिया की ट्रांजिशन चेंज हो रही है, इकोनॉमिक ट्रांजिशन चेंज हो रही है, हमें वो नज़र आ रही है कि मेरिटोक्रेसी का कॉम्प्रोमाइज हमें नजर आया भारत के हवाले से, इसकी इंपॉर्टेंस मज़ीद वाज़े हो गई ना। और उसके कंपैरिजन में आप चाइना की इकोनॉमी को देखें, वो सस्टेनेबल इसीलिए है इवन के COVID-19 के अटैक के बावजूद स्ट्रेन 4-5 इतने इफेक्टिवली किए हैं कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। उसमें मेरिटोक्रेसी की गिफ्ट, राइट मैन फॉर द राइट जॉब प्लेस्ड है इस मुल्क में। मेरे ख्याल में ये मैं बारहा कोट कर चुका हूँ ऑन एयर ये बात, आटे में नमक के बराबर कई लोग हैं जिनकी वजह से हम खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम रुके हुए हैं, हमारे सरकारी इदारों में, हमारे प्राइवेट इदारों में, हमारे हुकूमती फैसला साजी जहाँ हो रही है उधर कुछ ना कुछ आटे में नमक के बराबर लोग बैठे हुए हैं जो उस मेरिटोक्रेसी को, उस खौफ खुदा को सामने रखते हुए तरजीह देते हैं और देखते हैं कि सामने जो बंदा बैठा है वो किस मैरिट के ऊपर बात कर रहे हैं। और जब तक वो जो एक्सपेक्टेशन कह रहे हैं हम, हमारे हुक्मरानों से एक्सपेक्टेशन, हमारी हुकूमती अदारों से एक्सपेक्टेशन, वो तब ही पूरी हो पाएंगी जब हम इस उम्मीद के साथ जाएं कि हम उस मैरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और ये जो इनफरादी किरदार है और ये जो हुकूमती किरदार है इसके दरमियान का गैप कोई भी मिटिगेट करने को तैयार नहीं है यकीनन। और उस हवाले से खास तौर पे अपनी ज़ात जो है, अपनी दिहाड़ी जो गुजरनी है, अपना दिन जो कंक्लूड होना है, वो प्रायोरिटी है। लेकिन ओवरऑल जो माशरती आउटपुट है, सोशल आउटपुट है, सोशल आउटले है, आउटलुक है कि हम बाहर से लोग क्या सोचेंगे कि करप्शन इंडेक्स में हम किस नंबर पर खड़े हैं, हम उससे इंस्पायर्ड नहीं है। हम इंस्पायर्ड हैं डेली के हैशटैग से, हम इंस्पायर्ड हैं डेली के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से। तो मेरे ख्याल में इनफरादी किरदार भी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर होकर मिलके बनता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बहुत अच्छी बात की और इसी बात को हम आगे लेकर चलेंगे। आपको बताएं नासिम कि आज की हमारी एक और मेहमान भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है एडवोकेट फरीहा जाफर बाजवा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरीहा साहिबा, खैरियत से हैं? जी खैरियत। क्या कहना चाहेंगी, हमारा जो टॉपिक है मेरिट के हवाले से, मेरिट कल्चर को हमने प्रमोट करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है ताकि हमारे माशरे का तवाजुन भी बरकरार रहे और माशरती तरक्की में भी हम किरदार अदा कर सकें। जी ये एक तो ये जो आज का टॉपिक है मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त और ज़रूरत, वक्त की ज़रूरत है ये कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी जाए। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, हमारे यहाँ क्राइम रेट है, हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन है। मैं समझूंगी कि जो हम ये जो माशरे में इनबैलेंस है, जिसे हम कहें कि चाहे वो किसी तरह से भी मैं अगर हम मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अगर हम मेरिट पे नहीं जाएंगे, तो वही बात जैसे पहले साहब कह रहे थे कि क्या होगा, माशरा इनबैलेंस होगा, आपकी हर चीज़ में करप्शन की रेशियो भी बढ़ेगी। डेफिनेटली अगर आप ब्राइब करके आए हैं या फिर अगर आप अपनी किसी भी सीट में अपनी डिग्री के बेस पे नहीं आए, आप किसी भी सिफारिश पे आए हैं, तो अगर तो आप ब्राइब करके आए हैं तो डेफिनेटली वो आपने इसी आवाम के खून से चूस के निकालनी है, वही वाली चीज़ जो आप पहले दे के आए हुए हो। और अगर आप सिफारिश पे आए हो तो डेफिनेटली आप तो आए ही उस एक चीज़ के साथ हो कि भी पावर है तो ही आप कुछ कर सकते हैं, पावर है तो आपने सिफारिश कराई ना। हमारे यहाँ तो वो एक बात होती है कि जी अगर आपकी कहीं पे भी कोई, अभी मैं ये स्पेशली देख रही हूँ यंग जनरेशन में और बीइंग अ लॉयर भी मैं देखती हूँ कि कहीं पे भी कोई अगर कोई लीगल एडवाइज़र की सीट आ रही है या फिर कहीं पे भी कोई भी वैकेंसी होती है तो अच्छे खासे ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स भी वो अप्लाई करने से पहले कहते हैं अच्छा इस अदारे में कोई है जानने वाला कोई, कि वो वहाँ पे आपका है कि आपके ए प्लस के साथ और इतने अच्छे अच्छे आपके है। पर क्या करें, हमारी मजमूई तौर पे ये सोच बन चुकी है कि जब तक आपका कोई लिंक नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई आपकी अप्रोच नहीं है, यू कैन नॉट गो एनी वेयर इन पाकिस्तान। और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है माजरत के साथ कि हम अच्छा अच्छा तो सब
कहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो फिर वही बात है, अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छी सिफारिश नहीं है और मैं बहुत ए यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में से हूँ, तो अगर मुझे कहीं अच्छी जगह पे जॉब नहीं मिलेगी तो एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा और फिर क्राइम रेशो भी आपका बढ़ेगा। और एक नाम उम्मीदी की कैफियत जो है कि होता ही यही है उन लोगों के साथ जिनके पास सिफारिश होती है, वही हकदार हो कहलाते हैं, उन्हीं को हक मिलता है, उन्हीं को पोस्ट मिलती है, उनके पास कोई ना कोई डेजिग्नेशन। उस वक्त जो सोच आती है ना जहन में, वो ये आती है कि क्या हम दूसरे दर्जे के शहरी हैं, क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। लिटरली ये एक फीलिंग आती है एट सम पॉइंट। तो इस चीज को अगर आप चाहते हैं कि एक हेल्दी माशरा बने, और हाँ बहुत जगह पे खराबी नहीं है, जैसे सर ने कहा कि अगर ये मुल्क चल रहा है तो इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनके सर पे ये मुल्क चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उस चीज को प्रमोट करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए ताकि ये मेजॉरिटी में हो और ये चीजें जो है इनको हम सप्रेस कर सकें। अच्छा, ये फरीहा ने बड़ी अच्छी बात की, डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप भी इसमें अपना इनपुट दें कि ये एक सोच, एक कल्चर डेवलप हो गया है कि हम जितना मर्जी जो है वो अहलियत रखते हों, हम जितना मर्जी अच्छी डिग्री अच्छे ग्रेड्स लेकर आए हों, हमारे बच्चों के हमारे नौजवानों के जहनों में यह है कि लिंक होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। ये जो रेफरेंस ढूंढने की और रेफरेंस होने की एक सोच, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, एक माइंडसेट के साथ हम आगे लेकर चल रहे हैं और आने वाली नस्ल में भी ये माइंडसेट हम प्रमोट होता हुआ देख रहे हैं। आप ही समझते हैं कि ये तो एक घुमघू की कैफियत है, एक डाउट है, एक ऐसी कन्फ्यूजन है कि नहीं होगा तो क्या होगा या नहीं होगा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये जो कैफियत है इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, हमारी मोहतरम खातून एडवोकेट फरीहा ने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है कि माशरे में वो लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनके पास अच्छे मार्क्स हैं, जिनके पास डिग्रीज़ हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं कि मार्केट में एक और माशरे में एक जो सिफारिश का और जो जो कल्चर रिश्वत का डेवलप हुआ हुआ है, उससे बहुत से लोगों की हक तलफी होती है। उसमें बहुत से अच्छे दिमाग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग बाहर चले जाते हैं हर फील्ड में, सिर्फ नहीं, जैसे मोहतरमा ने बात की, सिर्फ एक लॉ डिपार्टमेंट में नहीं, हर ज़िंदगी के हर शोबे में वह जो है मेरिट के ख़िलाफ़ वर्जी जो है वहाँ के जो अच्छे दिमाग हैं, जो ब्रेन है अच्छे, वो हमेशा से इदारा उनसे महरूम हो जाता है और नाअहल लोगों की वजह से इदारे तबाही की तरफ चले जाते हैं। जैसे मैंने पहले पाकिस्तान स्टील की मिसाल दी कि वो इदारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा था, जहाँ पर जो है वो कुछ दिफाई आलात भी बनते थे, अब वो इदारा कई सालों से, मेरे ख्याल शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो शायद 10-15 सालों से वो इदारा एडहॉक बेस पे चल रहा है और वो इमदाद पे चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। हालांकि ये सबसे बड़ा इदारा था, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वही यही मेरिट की खिलाफ वर्जी है, यूनियन बाजी है। मैं तो इन चीज़ों को बहुत अपनी आंखों से करीब से देखा है कि जो इदारा जनरल सभी कमर जमान के दौर में 8 से 10 हज़ार में चल रहा था, वहाँ के जो एम्प्लॉज की तादाद है वो 28 हज़ार थी। तो देखें किस तरह एक इतना बड़ा इदारा ख़त्म हो गया। पीएई की आप मिसाल देखें, वहाँ भी यही हुआ कि पूरी दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं वो मुनाफे में जाती हैं, किसी की ज़ाती एयरलाइन है वो मुनाफे में जाती है, जबकि पीएई सालों से घाटे में जा रही है। क्या वजह है? मेरिट की खिलाफवर्जी। और कितना जुल्म आप देखें कि पायलट जिसने जहाज़ उड़ाना होता है उनकी डिग्रियाँ जाली हैं, वो मेरिट पर लोग नहीं भर्ती किए गए, वो लोग भर्ती कर लिए गए। देखें कोई रोड पर ट्रैक्टर तो नहीं चलाना या गाड़ी तो नहीं चलानी, धक्का मार के दोबारा स्टार्ट कर दिया है, जहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, और देखें वहाँ कितनी बड़ी मेरिट की संगीन खिलाफवर्जी हुई। हमारे मुल्क में बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी 100% तो मैं नहीं कह सकता, 100% तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन वो इदारे बचने की वजह यही है कि वहाँ मेरिट है। ये नहीं कि मैं खुद फौजी हूँ तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ, फौज में अभी भी मेरिट है। आपने देखा होगा कि फौज में पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया में नंबर वन क्यों मशहूर है, इस वजह से कि अपनी मेरिट की बुनियाद पर। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया की फौज अफगानिस्तान में क्यों नाकाम हो गई, ठीक है, देखें वो मेरिट पर थे और वो अपने जो जितने भी वो उस मुल्क में लड़ने वाले जो लोग थे, मैं मतलब किसी एक का नाम नहीं लेता, जितने भी लड़ने वाले लोग थे इस मुल्क में वो मेरिट पे थे, एक मेरिट पे थे। देखें उन्होंने पूरी दुनिया की फौज को धूल चटा दी, क्योंकि मेरिट पे थे, अपनी जगह पे बिल्कुल डटे हुए थे, ठीक थे। जो मेरिट पे नहीं थे, आपने देखा है कि देखें वो यहाँ आके नाकाम हो गए। तो जो है कि अगर हम मेरिट पे होंगे तो अल्लाह की ज़ात भी हमारा साथ देगी और हम दुनिया में कामयाबी हमें मिलेगी, अगर हम मेरिट पे नहीं होंगे तो अल्लाह की ज़ात भी हमारे साथ नहीं। बिल्कुल, इस माइंडसेट को, इस चेन को, इस कॉन्सेप्ट को हमने ही तोड़ना है कि हमारे अगर मौशे में या हमारे किसी इंस्टीट्यूट में मेरिट का कल्चर नहीं है तो इसको हमने स्ट्रेंथन करना है, इसको प्रमोट करना है। कैसे कर सकते हैं, अपने तीनों मेहमानों से इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और कौमी तरक्की और माशरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, इस पर भी जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
बैक सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू हो रही है, जिसमें हम जान रहे हैं कौमी तरक्की के हवाले से कि हम कौमी तरक्की में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं, और ये हम सबकी जो है वो अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम माशरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें। और जब किरदार अदा करना है तो मेरिट को प्रमोट करना है। मेरिट के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पर जाने से कबल, और डॉक्टर साहब से ही बात हुई थी। डॉक्टर साहब अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि मेरिट के हवाले से कायनात में कुफर और जो इस्लाम है उसको जो सबसे बड़ा मौका है, उसकी दुनिया मिसाल जानती है कि हज़रत इमाम हुसैन और यजीद के साथ जो जंग हुई उनके आपस में, वो सबसे बड़ा मौका वो मैं समझता हूँ कि वो मेरिट पे, क्योंकि नहीं आता था यजीद और वो जो उस टाइम जो कवानीन थे और जो उस टाइम जो हालात थे, तो यजीद जो यजीद ने कहा कि मुझे आप जो है वो सरदार तस्लीम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा मौका यही था कि वो इस मेरिट पे नहीं आ रहा था कि वो उसको अमीर अल मोमिनीन बनाया जाए या वो या उसको सरदार तस्लीम किया जाए। तो हज़रत इमाम हुसैन ने जो है ना वो तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मौका। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, और इसीलिए तो कहा जाता है कि किरदार जिंदा रह गया, इक्तदार हार गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका नफाज जो है वो सिर्फ हमें जॉब तक नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इसका नफाज करना चाहिए कि क्या चीज़ मेरिट पे आती है और क्या नहीं आती। हमें अपने घर में भी इसका नफाज करना चाहिए। मैंने अपने आम ज़िंदगी में अपने पेशेंट्स में ये देखा है, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं सिर्फ मेरिट की वजह से। अब लोग हैरान होंगे कि मेरिट का डिप्रेशन से क्या ताल्लुक है। देखिए, जॉब्स अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि लोग घरों में जो है ना वो मेरिट नहीं रखते। लोगों का अपनी बेटी के लिए अलग मेरिट है और बहू के लिए अलग मेरिट है, जिससे ये मसाइल शुरू होते हैं ना। जो मेरिट बेटी के लिए है वही अगर बहू के लिए हो तो ये लोगों के मसले ख़त्म हो सकते हैं। मेरे एक पेशेंट ने कहा कि मैं अपने ससुराल में थी तो मेरी सास ने मुझे कहा कि देखो कितनी गर्मी है, मेरी बेटी बेचारी कितनी गर्मी लगती है। तो उसने कहा कि देखें जैसे आपकी बेटी को गर्मी लगती है, मुझे भी वैसी गर्मी लगती है। तो वो कहते हैं वो बुरा मना गई इस बात पे, जबकि ये हकीकत है। अगर हम मेरिट को अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर लाजिम मंजूम कर लें तो ये सब जॉब से हट के अगर जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। कारोबार पे बहुत अच्छी बात की कि ज़िंदगी के हर मामले में हमें मेरिट को प्रमोट करना है, और वहाँ पे देखना है कि कहाँ पे गुंजाइश है कि हम एफर्ट करें, अपना किरदार अदा करें। कुछ मजीद भी आप कहना चाहते हैं? जी, चाहे कारोबार हो उसमें भी हम मेरिट को देखें, चाहे हमारा लोगों के साथ बर्ताव हो उसको मेरिट पर देखें, हम घर से बाहर निकलते हैं हर चीज़ को मेरिट पे देखें। खुद तो मैं किसी को रॉन्ग क्रॉस कर जाऊं, लेकिन अगर कोई मुझे करे तो मुझे गुस्सा आ जाए, ठीक है। खुद अगर मैं ट्रैफिक ऑफिसर हूं, अगर मैं सिग्नल पे खड़ा होकर मैं देखूं किसी ने अगर सिग्नल जो है उसकी वॉयलेशन की तो मुझे बुरा लगे, लेकिन जब मैं खुद जाऊँ तो फिर मैं सिग्नल तोड़ दूँ, क्योंकि मैं तो ट्रैफिक ऑफिसर हूँ। तो नहीं, तो हमें ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर भी वही चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए जो हम दूसरों के लिए पसंद करते हैं, उनके लिए भी वही चीज़ें पसंद करनी चाहिए। तो ये मेरिट का मैं समझता हूँ कि ये वो एक ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा जामे लफ्ज़ है कि अगर हम इसकी पाबंदी कर लें तो हम सिर्फ दुनिया नहीं, हम दीन में भी इसमें सरबुलंदी हासिल कर सकते हैं, इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके। यकीनन ऐसे ही, डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। रजा, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़ाती ज़िंदगी के हर मामले में भी हमने मेरिट को प्रमोट करना है, तो मैं ये समझती हूँ कि ज़ाती ज़िंदगी से पहले इंसान की अपनी ज़ात है। अगर वो अपनी ज़ात पर ये पाबंदी लगा लेता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ मेरिट को प्रमोट करना है, उसने किसी को फेवर भेजा नहीं देनी है, अगर किसी की फेवर बनती है, किसी का हक बनता है तो उसको वहाँ पर फेवर करने की ज़रूरत है, गुंजाइश है। लेकिन किसी की अगर हक तलफी हो रही है तो गुनहगार सबसे पहले उसकी अपनी ज़ात है। अगर हम ये सोच लेके आगे चलेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं हम मेरिट का ख्याल रखेंगे। हमारे यहाँ देखा ये जाता है कि अगर मैं अथॉरिटेटिव हूँ, मेरे पास कोई डेजिग्नेशन है, कोई सीट है, कोई मेरे पास अथॉरिटी है और मेरे सबऑर्डिनेट मेरे सामने है, तो मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं इनकी हक तलफी कर लूँ और मेरा ही फ़ायदा हो। जबकि अगर मैं कोई सबऑर्डिनेट हूँ और मेरे ऊपर कोई बॉस है, कोई अथॉरिटी है, तो वहाँ मेरी ये डिमांड होगी कि मेरा हक ना मारा जाए, मैं जो है वो फेवर ले सकूँ, मुझे प्रमोट किया जाए, मुझे फेवर दी जाए। ये जो हमारा दोहरा मयार है ज़िंदगी गुजारने का, आप नहीं समझते कि इसमें भी तरबियत की ज़रूरत है, यहाँ पे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे भी काउंसलिंग की गुंजाइश है? मेरा ख्याल दो बातें इसमें ना इंक्लूड
मैं रेफर करने की कोशिश करूंगा ताकि जो व्यूअर्स हैं वो भी थोड़ा सा ग्रैस्प कर सकें। आपने आपने तीन चार एस्पेक्ट्स किए हैं अपने पहले बात में, तीनों चारों ज़रूरी हैं। इस तरह ये जो कम्प्लेक्सिटी है इस मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट, इस करप्टेड सोसाइटी के लिए, तो उसको उसकी उनकी उलझनों वाली गिरोह को खोलना और उसे समझना, उसके लिए हम टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की, दिस इज़ द गुड थिंग कि इस तरह की डिबेट्स जितनी ज़्यादा होंगी शायद हम सोसाइटी के तौर पे, माशरे के तौर पे हम समझ सकें, हम थोड़ी सी अपनी हायर ब्रेन्स को हम प्रायोरिटाइज करें कि नहीं इस तरफ बैठ के सोचें और उसका हल निकालें। ठीक, पहली जो आपने बात की कि तरबियत में कोई कमी रहेगी है, तरबियत की कमी सिर्फ यहाँ नहीं रहेगी, पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। अभी हम बात करते जॉर्ज फ्लॉयड के प्रोटेस्ट की, मैं सिर्फ ये बात देख रहा था कि क्या हमने क्या सिखाया एक पूरी नस्ल को, पूरी की पूरी नस्ल को, कि इतना उनको ब्रांड कॉन्शियस और ब्रांड क्रेविंग उनके अंदर हमने पैदा कर दी है कि उनके लिए और मटेरियलिस्टिक बना दिया है कि उनके लिए जितनी लूटिंग हुई है ना, आप उसमें देखें जितने टॉप के ब्रांड्स थे ना, नाइकी से लेके सब इम्पोर्टेड ब्रांड्स, ज्वेलरी के ब्रांड्स, आप कपड़ों के ब्रांड ले लें, आप स्नीकर्स के ब्रांड ले लें, उनके ऊपर प्रॉपर प्रोटेस्टर्स ने जाके उनको उन शॉप को तोड़ा और वहाँ से चीज़ें लेके निकल रहे हैं और ये दो दो तीन तीन डब्बे उठा के ले रहे हैं उनके ज़मीर से ऊपर कई चीज़ें, यही चीज़ें सिर्फ पढ़े लिखे माशरों में भी नज़र आई हैं और हमें हमारी बहुत सारी आइडियलाइज़ करते और हमें हमारे बहुत सारी थ्योरीज गलत होती हुई महसूस होती है। अब हमारे माशरे की तरफ आ गए, जो मैंने पहले बात की थी, हमारे दिन का एक जो फोकस है ना कि अगले 15 मिनट में, अगर आधे घंटे में जो हाथ आ जाए तो आ जाए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो इंफरादी तौर पर उस तरबियत में जो कमी रह गई है छूट के हवाले से, कि छूट की अहमियत, सच की अहमियत को ना समझना और झूठ बहुत ज़्यादा बोलना, इसी तरह के छोटे छोटे करेक्टरिस्टिक्स हैं, सोचना सोचे बगैर सिर्फ अपने इमीडिएट फ़ायदे को सामने रखते हुए काम करना। आपने अथॉरिटेटिव के हवाले से बात की, जब आप ये बात कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कुदरतुल्ला शहाब का वो फेमस वाक़ा जो उन्होंने शहाबनामा में कोट किया, गालिबन वो छंग में एज अ ब्यूरोक्रेट तैनात थे या इसी तरह के डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे, उनके पास कोई बुजुर्ग है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ज़रूरत का बताया कि मेरी बेटियाँ हैं या मुझे ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जिससे मैं इनकी शादी कर सकूँ और एक काबिल-ए-इज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकूँ। वो कहते हैं मैंने उसको, आपने भी फेवरेटिज्म की बात की अपने एग्जांपल के अंदर ही, तो मैं दो तीन बातों को इन वाकयात से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने उससे फेवर किया, उन्होंने उसे ज़मीन का टुकड़ा दिया और कुछ सालों बाद वो वापस आया और उसने वो ज़मीन का टुकड़ा वापस, कागज़ वापस रखते हुए कहा कि इस ज़मीन के टुकड़े से मैंने गालिबन एक या दो मरबा ज़मीन थी, मैंने अपनी बेटियों की शादी कर ली है, मेरी औलाद जो उनसे साहिब रिस्क हो गई है, हम मियाँ बीवी को जितनी बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए जो जमा पूंजी चाहिए थी वो भी मैंने इससे कमा ली है, अभी आप ये वापस रख लें, मज़ीद अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपनी नस्ल के साथ वक्त गुजारने के लिए ये दे दें। उस बंदे का एतकाद, उस बंदे का ईमान, कुदरतुल्ला शाह भूल चुके थे, उन्होंने किसी को नहीं वापस भेजा, हुकूमत वक्त ने उस टाइम किसी को नहीं भेजा, हुकूमत पंजाब ने किसी को नहीं भेजा था कि आप जाके देखो कि उसने 2 साल या 3 साल या 5 साल बाद तो कागजात वापस लेके ज़मीन का टुकड़ा वापस लेना था। यहाँ लोग 99 ईयर्स की लीज के ऊपर क्या झगड़े चलते हैं, क्या लड़ाइयाँ चलती हैं, क्या कत्ल वारत होता है, आए दिन इन छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों के पीछे क्या कुछ हो रहा है। और वही बात, प्रायोरिटी हम नस्ल को क्या सिखाई है, बिल्कुल हमने नस्ल को बताया है कि आपका फ़ायदा है ही लूट मार में, आपका फ़ायदा है ही अपने आप को मेरिट को रोंदने में है, जो जिधर बैठा है। और आपने कभी देखा है, ख़ासतौर पे हमारी शादियों के गैदरिंग में, हमारी फौजियों की गैदरिंग्स पे बैठ के जब लोग अपने बच्चों को कोट कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा फलां जगह पे बैठा हुआ है या फलां साहब वहाँ बैठा हुआ है या उससे कहलवा के या काम करवाया गया है, तो लोग इस बात में प्राउड फील करते हैं कि मेरा बंदा उधर बैठा हुआ है, मेरा बंदा फैक्ट्री हट में बैठा हुआ है, मेरा बंदा फलां जगह पे बैठा हुआ है, और उस बात से इंस्पायर होके या अपनी इज्जत इस बात में समझते हैं। और मेरे ख्याल में उस माइंड सेट से जब गोरा इस खत्ते को रूल कर रहा था, उस माइंड सेट से हम तक अभी तक निकल ही नहीं सके हैं कि बिकॉज तब ये बड़ा ज़रूरी था फैक्टर अभी तक, और तब ये बड़ा ज़रूरी था कि आप जो अंग्रेज सरकार है उस तक आपकी पहुंच होनी चाहिए तभी काम हो सकेगा, क्योंकि उनकी कलम से हर काम निकल जाता था। वही चीज़ हमें ट्रांसलेट होती नज़र आई, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, आप नेबरिंग कंट्री इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में यही प्रॉब्लम है, श्रीलंका में भी यही प्रॉब्लम है, अफ्रीका के हवाले से हमने बात की, उधर भी जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनके आर्किटेक्चर तो सेम थे, वो सेम प्रॉब्लम्स हम आगे लेकर चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ मेरिटोक्रेसी इम्प्लीमेंट करना
गोरे के लिए फायदे में नहीं था। यानी कि इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हमारी नेचर का ये हिस्सा बन चुकी है ये चीज़ कि हम रेफरेंस ढूंढेंगे, लिंक्स ढूंढेंगे, हम खुद पे रिलाय नहीं करेंगे, अपनी अहलियत को नहीं देखेंगे, अपनी काबिलियत को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा इंसान, कौन सा जो बंदा है, कौन सा हमारा रिश्तेदार, कौन सा हमारा दोस्त, कौन सा हमारे सोशल सर्कल का ऐसा कोलीग जो कि हमारा ये काम निकलवा सके, हमारे लिए आसानी कर सके, हमें रेफर कर सके, हमने तो उस तक पहुंचना है। उस अहलियत और काबिलियत को सामने रखते हुए आप कभी एक दफ़ा कॉन्फिडेंस लेके चले भी जाएं, आपके साथ वो होती है ना कि आप अपने शटर्ड कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलते हैं और इंसान कहते हैं कि मैं किधर आ गया था, ठीक है, और इज्जत नफ्स को सामने रखते हुए। और इसीलिए जो साहिब इस्तेदार लोग हैं वो कहते हैं कि चार पैसे जो उनसे कॉम्प्रोमाइज करके या दे के अपनी इज्जत बचा के आप निकल आए, और इट्स सो पेनफुल कि इस मुल्क में, इस मुल्क को जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया गया था और जहाँ हमारी माओ बहनों की, हमारे बुजुर्गों की इज्जत और नामूस की खातिर इस मुल्क को तरतीब दिया गया था कि यहाँ आप ऑफिशियल वर्क के लिए जाएं, आप जाके देखें आपसे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। इतने पढ़े लिखे लर्नर्ड लोग हैं, हमारा फॉरेन डायस्पोरा आके सबसे ज़्यादा परेशान उस पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर होता है, बिकॉज वो एक वर्क साइकिल से गुजर के आए होते हैं कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी उधर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से लेके एक आम मेयर, एक आम कौंसल सट्टा के पॉलिटिशियन से लेके एक आम जो कारपेंटर लेवल का बंदा होगा, लेबर लेवल का बंदा होगा, तीनों चारों को एक ही साइकिल से गुजर के पब्लिक सर्विस डिलीवरी मिल रही है। और यहाँ जिस तरह एंटरटेन किया जाता है, अच्छा मज़ेदार बात यह है कि ये जो फ़र्क है, मुझे पिछले चंद सालों में, कुछ सालों में इस बात का बहुत शिद्दत से साफ हो रहा है, ये फ़र्क सिर्फ सरकारी इदारों में नहीं है, ये फ़र्क प्राइवेट इदारों में भी है। आप देखें बैंक्स में जाके आपको बैंक का स्टाफ किस तरह डिफरेंट ट्रीट करता है उसी सरकारी इदारे वाले पैटर्न में। आप स्कूल्स में जाके देख लें कि आपको आपके पेरेंट्स को किस तरह डील किया जा रहा है उस सोशल स्टेटस को सामने रखते हुए, वो और उन बैरियर्स को सामने रखते हुए। आज के वालिदैन ये देख रहे हैं कि बच्चा यूनिवर्सिटी में जाने की अहलियत रखता है, काबिल है, उसके ग्रेड्स इतने हैं कि वो किसी यूनिवर्सिटी जा सकता है या नहीं जा सकता, फलां प्रोफेशन का हिस्सा बन सकता है, आगे इसमें ग्रूम कर सकता है नहीं कर सकता, वो तो रेफरेंस ढूंढने में लगे हुए ना कि हमारा रेफरेंस मिल जाए तो हम अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा, और उसके बाद जब डिग्री हाथ में होती है और फिर उसकी सिफारिश के लिए भाग रहे होते हैं कि अब उसको कहीं जॉब मिल जाए, और फिर वही बच्चा जब एक पोजिशन पर आएगा और वापस जब हम उस पूरे सोशल साइकिल की बात कर रहे हैं, वो आके किसी साहिब अख्तियार की जगह पे बैठेगा तो क्या फैसला फाफी करेगा और उस फैसला फाफी में क्या प्रायोरिटी देगा उस मेरिटोक्रेसी को जिसकी धज्जियाँ बिखेरते हुए उसे एक जगह पे पहुंचाया गया है, और आखिर में उसका इफेक्ट ही कौन है, एक आम शहरी। बिल्कुल ऐसे। और मैं कोशिश करता होता हूँ कि पोलिटिकल स्टेटमेंट से पोलिटिकल बातें ना करूँ, लेकिन पहली दफ़ा इस मुल्क की तारीख में आप देखें कि उस पिछड़े हुए तबके को किसी हद तक प्रायोरिटाइज किया गया, उसे सामने रखा गया, बिकॉज वो जो मॉडल्स जो टेक्नोक्रेट थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं ना, उन टेक्नोक्रेट ने वो मॉडल इंप्लीमेंट किए हुए हैं। आप हमारे गवर्नर स्टेट बैंक को देख लें जो इजिप्ट में असाइनमेंट करते हैं, आप सानिया निश्तर साहिबा को देख लें जो उनकी फॉरन असाइनमेंट्स है, बिकॉज वो इस सोसाइटी से बाहर निकल के, इसके बैरियर से बाहर निकल के मेरिटोक्रेसी के ऊपर वो आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करके डिलीवर कर चुके थे, जब उनको फ्री हैंड दिया गया उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन आम आदमी, फरिया साहिबा आप यकीनन मेरी बात से एग्री करेंगी कि आम इंसान, आम आदमी अभी भी उसी चक्की में पिस रहा है कि मेरे पास रेफरेंस होता तो मेरा बच्चा भी फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता, मेरे पास रेफरेंस होता तो मेरा बच्चा आला तालीम के लिए बाहर चला जाता, मेरे पास रेफरेंस होता तो मेरे बच्चे की वो पोस्ट जिसका वो हकदार है, जिसकी वो अहलियत रखता है, काबिल है, वो गेन कर सकता, वो अवेल कर सकता, अगर मेरे पास एक सिफारिश होती, एक रेफरेंस होता या मेरे पास चंद रुपये होते। ये भी एक तल्ख हकीकत है हमारे मुआशरे की, इसको कैसे बदला जा सकता है? बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, और जहाँ तक बात ये अगर सिर्फ एडमिशन की हद तक या इस एनजाइटी के ऊपर जाएं कि जो पेरेंट्स की एनजाइटी है कि हम अपने बच्चों को, अगर हमारे पास ये फाइनेंशियल या ये रिसोर्सेज होते तो हम अपने बच्चों को कुछ बेटर पोजीशन में ले जा सकते या यूनिवर्सिटीज़ में ले जा सकते, तो पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, मैं अब देख रही हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पे एक तो बच्चे का अपना मेरिट कि उसके कितने अच्छे ग्रेड्स हैं वो भी बहुत काउंट करते हैं, और दूसरा वो पेरेंट्स का भी सोशल स्टेटस देख के ही उस मेरिट के क्राइटेरिया को कौन कौन मीट कर रहा है तो वो एडमिशन मिलता है। और अभी ये एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई और जो मैंने देखी है, अपने इर्द गिर्द भी देखी है कि जब इवन कि आप यूनिवर्सिटी की बात करें, जब आप पीजी लेवल पे बच्चों के एडमिशन कराने जाते हैं तो पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है वहाँ पे,
उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है, बच्चे का इंटरव्यू कुछ फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, वो पेरेंट्स के उस पे जा रहे होते हैं कि भाई हाँ जी ये क्या करते हैं आप और क्या आपका बैकग्राउंड है और क्या सोशल स्टेटस है, फिर जाके कहीं एडमिशन लेते हैं। तो ये तो वो पढ़ाई या वो चीज़ें हैं। जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं अपना मेरा एडमिशन था तो मैं सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, तो किस तरह से कि मुझे तो मेरे अम्मी अबू या बहन भाइयों में से कोई भी नहीं लेके गया था, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वो जो हमारी एक आया हुआ करती थी घर में फुल टाइम थी, तो वो मुझे अपने साथ स्कूल लेके गई और टीचर ने मुझे एडमिट कर लिया स्कूल में, मेरा एडमिशन हो गया। मतलब दैट वाज सो सिंपल प्रोसेस। और आज अगर आप देख रहे हैं, और उसके बाद फिर जो ही बच्चे से ज्यादा वालिदैन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि हमारा इंटरव्यू है और फिर वहाँ पे जाना है। और तो आप ये तो सिर्फ स्कूल लेवल की बात है, इनिशियल लेवल की बात है। जब आप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज, और मैं देखती हूँ कि कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज हैं कि उनके म्यार मुझे लिटरली मुझे कभी समझ नहीं आए हैं। मैं अब उनके नाम लूँगी तो वो कोई अच्छी बात नहीं है कि आप सिर्फ ये कहें कि जी मेरिट आ गया, ये मेरिट लिस्टें भी लग जाती हैं, फिर वो जब इवन के अंदर खाते एक ऐसी रेस चली होती है कि आपने अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई, आपने पैसे जमा कराने हैं और वो आप उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड आएगी, तो ये सारा प्रोसेस तो एक वो दिखा रहा होता है कि ट्रांसपेरेंसी है चीज़ों में, बट लिटरली बैक एट द बैक एंड अब हर यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस पे सीटें जो हैं वो 50% और बल्कि 50% प्लस कोटा हो चुका है उनका, सेल्फ फाइनेंस की सीट है कि आप पैसे दो, सीट खरीदो, बच्चा दाखिल कराओ और पढ़ाओ। बिल्कुल, इसलिए आज का नौजवान ये कहता है कि मेरे पास नंबर्स हैं या नहीं है, मेरे पास पैसे होने जरूरी हैं। आप मेडिकल कॉलेजेस की तरफ चले जाओ, मेडिकल की तालीम सबसे महंगी तालीम पाकिस्तान में समझी जाती है। अगर कोई मेडिकल करना चाह रहा है बच्ची या बच्चा, तो बाप ने पहले से सोचा होता है कि अच्छा मैंने अपना वो कोई ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच देना है या कोई गोल्ड वगैरह बेचना है या क्या करना है कि हमने बच्चों के दाखिले कराने हैं। तो इन चीज़ों को भी मैं ये जब आप हुकूमती सतह पर चीज़ों को देखते हैं कि जी अच्छा जी एज अ गवर्नमेंट आपकी क्या ड्यूटीज है या हम क्या कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये जो हमारा 18th अमेंडमेंट में फ्री एजुकेशन फॉर ऑल आया था, वो आर्टिकल 25A अगर उसको हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो जो आपने कहा ना कि हम ये किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ग्रास रूट से हमें स्टार्ट करना है, वो स्टडी, वो अगर सारे लोगों की, एक बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आ जाता है और एक बच्चा जो है वो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम में पढ़ के आ जाता है, उसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CSS में इकट्ठे बैठा देते हो, एक पेपर देते हो, अब कैसे आप ये सोचते हो कि अभी वो एक तरह की जो है वो परफॉर्मेंस आगे वो दे सकेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो एक तरह की परफॉर्मेंस दे सकेगा। तो ग्रास रूट लेवल पर अगर आप चीज़ें लेकर जाते हैं, तो हमारे कानून में जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं हमें उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। और फिर यहाँ तक ये तो चले ठीक है, एजुकेशन की आपने बात की थी, तो ये मैं ये समझती हूँ कि अगर हम फ्री एजुकेशन फॉर ऑल का जो हमारा कानून में हमने ये शिक डाल दी है, अगर हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं इन अ प्रॉपर वे, तो वही जो है वो बहुत सी चीज़ों का हल निकल आएगा। और जो दूसरी बात आपने कही कि जी करप्शन है और मेरिट की धज्जियाँ बखेर दी जाती हैं, उसमें आजकल जो है करप्शन की एक नई फॉर्म है, जो नई फॉर्म क्या इंट्रोड्यूस हुई है, अभी बहुत से लोग शायद मुझसे एग्री करेंगे भी, कुछ नहीं भी करेंगे, पहले तो ये होता था ना कि पैसे दो और काम करा लो, नहीं अब फेवर दो और काम करा लो, आपका वो फ्लैट है, वो प्लॉट है, आपने वो उस वक्त फ्ला मार्केट प्राइस पे खरीदा था, मुझे उसी मार्केट प्राइस में दे दो, दिस इज अ फेवर, दिस इज नॉट अ ब्राइब और दिस इज अ गिफ्ट। सही, तो अभी करप्शन की चीज़ मतलब कि स्टाइल बदल गया है, तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे पास करप्शन लॉज हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल है, हमें एंटी करप्शन सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करना है, और उन करप्शन लॉज को अगर हम, मैं समझती हूँ कि अगर मिसाली सजाएं दे दें, हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, बहुत ही बुरा है, अगर कन्विक्शन रेट बड़े, और फिर यह है कि जिस मसाली सज़ा ये होना, मतलब ये नहीं है कि भाई आप अगर किसी को कर रहे हो पनिश भी कर रहे हो, कन्विक्शन की तरफ भी जा रहे हो, तो एटलीस्ट उसको फिर इतना हाईलाइट करो, उसको सोशल स्टिग्मा बना दो। अभी तो हर बच्चे के हाथ में, हर बड़े के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और वो अभी एक वाक्या होता है और रात तक जो है वो हैशटैग ट्रेंड बन चुका होता है, वो ट्विटर ट्रेंड बन चुका होता है, आपको फेसबुक पर हर जगह नज़र आ रहा होता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें इनफरादी तौर पे भी अगर ऐसी कोई चीज़ हमें सामने आती है, तो फिर हम उसको वो करें, प्रमोट करें उसको, हम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। मीडिया जो है वो सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि एक अच्छा टूल है कि वो अवेयरनेस भी करवा सकता है। फिर अगर इस किस्म की कोई, अगर एंटी करप्शन सेल ने किसी को अगर कोई कन्विक्शन भी हुई है, तो एटलीस्ट लोग फिर डरें कि भी ऐसा भी हो सकता है। और अभी मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है कि जिस तरह से पिछले दिनों एक वो हैशटैग ट्रेंड था जनरल की बीवी वाला, अब लोग बाहर बदतमीजी नहीं कर रहे,
लोग सिग्नल पे या किसी जगह पे आपका चालान हो रहा है तो लोग बड़ा आराम से बिहेव भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि कहीं हमारी कोई वीडियो ना बन रही हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कैमरे का खौफ है ये भी ये सबसे बड़ा डर है, और ये बहुत सारी बुराइयों को रोक सकता है, बहुत सारी नाहमवारियों को कंट्रोल कर सकता है। फरीद साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन बात फिर वही सोच की आती है डॉक्टर साहब कि कलेक्टिव एफर्ट तो हम कर लेंगे, इंडिविजुअली जब तक हम नहीं एफर्ट करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे और इस माशरे का तवाजुन बरकरार नहीं रख पाएंगे। एक छोटी सी सोच इंसान को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। हमारे यहाँ कॉमनली यही देखा जाता है कि मेरे इस अमल से कौन सा किसी को नुकसान हो जाएगा, मैंने ये कर दिया तो कौन सा बड़ी कयामत आ जाएगी, या मैं ठीक हो गया तो कौन सा बाकी लोग भी ठीक हो जाएंगे। इसी सोच को अगर लेके हम एक जो है वो सिचुएशन को सामने रखें कि हमारे यहाँ अगर वालिदैन ये कहते हैं कि कौन सा, अगर मैंने अपने बच्चे को सेल्फ पे एडमिशन करवा दिया, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, या इसको मैंने सेल्फ पे पैसे दे के डॉक्टर बना दिया, तो कौन सा मैंने किसी का नुकसान कर दिया, मेरे बच्चे की चलो ज़िंदगी बन गई। वही बच्चा जो कि अहलियत नहीं रखता था, उसकी फ़िज़िकल और मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो डॉक्टर बन सके, इतनी मुश्किल डिग्री हासिल कर सके, इतने मुश्किल प्रोफेशन का हिस्सा बन सके, आगे वो डॉक्टर तो बन जाएगा बाहुक और बाइकुक, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी मुतासर होगी, वो लोगों की जान को किस तरह से जो है उसके साथ खेलेगा, या फिर कितना नुकसान प्रोवाइड करेगा इस सोसाइटी को, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं करते? क्या ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर देखें तो हम माशरे का फ्यूचर भी सिक्योर होता हुआ देखें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की एडवोकेट फरीहा ने, बहुत अच्छी बात की है कि कानून होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और दूसरी आपने बात की कि देखें ये तो इब्तदा से सिखाने वाले सबक हैं, लेकिन उससे पहले मैं वो जो आपने बात की सिग्नल पे, वो जो किसी कर्नल की मिसेज ने जो उधर थिएटर लगाया था, तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि वो किसी कर्नल की मिसेज नहीं थी, वो सबको जैसा कि मालूम है कि वो सिर्फ उन्होंने फ़ौज का नाम इस्तेमाल किया, तो हमें इस तरह कौमी इदारों का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो करें, जो इस तरह कौमी इदारों का नाम इस्तेमाल करें, उनको जो है निशान इबरत बनाना चाहिए। दूसरा देखें, ये तो बचपन से सिखाने वाले सबक होते हैं, अखलाकियात और ये इस तरह के जितने भी मामलात होते हैं ये तो तब सिखाए जाते हैं जब हम स्कूल जाते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि जापान में, मैं उनके बारे में रिसर्च की, मैंने पढ़ा कि जापान में शुरू के चंद साल बच्चे को कोई किताब कापी कोई चीज़ नहीं दी जाती, बच्चों को सबसे पहले जो है वो अखलाकियात सिखाई जाती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम रेशो जो है वो जापान में है। जापान में लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टेबल चेयर को रिजर्व करने के लिए अपना मोबाइल और वॉलेट वगैरह चाइना वहीं वहीं रख जाते हैं। नहीं, चाइना के मेरे इल्म में नहीं है, अलबत्ता जापान में ऐसा होता है कि वो वहाँ चीज़ें रख के और वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं, जबकि यहाँ देखें यहाँ तो लोगों से चीज़ें छीन ली जाती हैं। और जापान में अगर किसी को रास्ते में से कहीं कोई पैसे वगैरह कोई चीज़ मिल जाए तो वो क्या होता है कि वहाँ वो चीज़ें वो लोग हकदार को मिल जाती है, अगर ना मिले तो उसका एक ख़ास रेवेन्यू या जो कमीशन होता है वो जिसको वो चीज़ें मिलती हैं वो वहाँ उसको 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 जो है उसका इनाम के तौर पे दी जाती हैं। तो देखें, सजा जहाँ तक सजाओं की बात है, सजाएं तो सऊदी अरब में ज़्यादा सख्त हैं, वहाँ तो एक दफ़ा की चोरी पे हाथ काट देते हैं, दूसरी दफ़ा चोरी पे दूसरा हाथ काट देते हैं, तीसरी दफ़ा चोरी पे टांग काट देते हैं, चौथी दफ़ा चोरी पे जो है ना दूसरी टांग काट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली तरबियत की बात है। अगर डर से और कानून से अगर चोरियाँ रुकती तो वो सबसे पहले सऊदी अरब में रुक गई होती, सऊदी अरब पहले नंबर पर होता, जापान पहले नंबर पर ना होता। तो मैं ही समझता हूँ कि यहाँ बचपन से जब बच्चा स्कूल जाता है तो हमको हमें इसमें चाहिए कि हम बच्चे को तरबियत करें, बच्चे की बच्चे को सिखाएं, ना कि यह है कि उसको उस दौड़ में शामिल कर लें जिसमें जिस दौड़ में शामिल हो के आज हमारे माशरे की ये हालत हुई है। तो हमें अपने उन लोगों को, उन मुल्कों को हमें अपना आइडियल बनाना है कि जो तरक्की करके, अब दुनियावी तरक्की समझ लें, लेकिन देखें जापान ने कितनी तरक्की की कि हम सुई से लेके मोबाइल से लेके गाड़ी से लेके हर चीज़ जापान की लेना क्यों पसंद करते हैं कि वहाँ मेरिट है और वो मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं करते। मेरिट है, मेरिट को किसी तौर मेरिट को ब्रेक नहीं करते, इसलिए उनकी चीज़ें इतनी अच्छी क्वालिटी की होती हैं कि सालों इस्तेमाल के बाद भी हम जो है ना वो उनको इसी तरह इस्तेमाल करते हैं और हम उन पर यकीन करते हैं, जबकि हमारे अपने मुल्क की बनी चीज़ होती है हमें उस पर यकीन नहीं होता कि अब अंदर इसके क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, चाहे वो मेडिसन हो, चाहे वो क्रॉकरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो कोई डिवाइस हो, जो जो चीज़ भी हो, उसकी क्या वजह है कि हमने अपनी तरक्की के लिए हमने बच्चों की इस तरह से उनकी ग्रूमिंग नहीं की, इस तरह से उनकी इखलाकी तरबियत नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले तो अपने इखलाकी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए, वो चीज़ें जो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे मज़हब में शामिल है और हमें हमारे आके दो जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिसकी तरबियत दी हमने उस तरबियत को छोड़ दिया। अब इस तरबियत को वो अपनाएगा, जो भी अपनाएगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नहीं है, चाहे वो अल्लाह को मानता है नहीं मानता,
चाहे वो किसी भी दुनिया के मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी मज़हब को नहीं मानता, जो इस पे रह के इस इन अतवार पे रह के अपनी कौम की तरबियत करेगा वो जापान की तरह तरक्की करेगा, और जो नहीं करेगा उसका हाल जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह हमारा हाल है, जैसे हम हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, दूसरे मुल्क हैं, तो हमारा हाल वैसे ही होगा। चाइना का मुझे नहीं इल्म, लेकिन ये है कि पता नहीं मुझे अब इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक के जाने मुझे बढ़ना है। नाज़िम, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बैक सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है कौमी तरक्की के हवाले से, माशरती तवाज़ुन को बरकरार रखने के हवाले से, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करें, हमारा माशरा अमन इस्तेहकाम का गहवारा बने, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने का सोचें और उनको समझें कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, इसको किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, बच्चों की तरबियत किस तरह से की जा सकती है। वो बच्चे जिन्होंने आने वाले वक्त में इस मुल्क की और संभालनी है, इस माशरे के अमन इस्तेहकाम में, इस माशरे की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, उनको हमने इस वक्त कैसे ट्रेन करना है, उनकी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, उनके ब्रॉटअप में कौन कौन सी चीज़ों को हमने शामिल करना है, कैसे उनकी तरबियत करनी है, इन तमाम तर चीज़ों पर हम गुफ्तगू करें। जबकि आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी नहायत अहमियत का हामिल है, जिसमें हम मनसूबाबंदी की अहमियत जानेंगे और ये जानेंगे कि कामयाबी अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए कितना ज़रूरी है कि हम प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो लोग जो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक वेल प्लान्ड तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं, एक डायरेक्शन के तहत फॉलो करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, कुछ प्लानिंग्स करते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी आसान होती है और उनको किस तरह से वो हर्डल्स, वो ऑब्स्टिकल्स जो कि उनकी राह में आते हैं उनके टारगेट अचीव करते हुए, वो किस तरह से उसको ओवरकम करते चले जाते हैं, इस पर हम गौर करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वो लोग जो सिर्फ अपने टारगेट सेट करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करते, उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, वो लोग किस तरह से मुश्किलात का शिकार होते हैं, एक छोटी सी ऑब्स्टिकल, एक छोटा सा हर्डल, एक छोटी सी मुश्किल, एक छोटा सा फेलियर फिर किस तरह से उनको मुश्किलात में मुब्तला कर देता है और फिर वो अपनी मंजिल से दूर हट जाते हैं, इस पर भी हम ज़रूर फोकस करेंगे। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनमें कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब हैं, रज़ा अहमद सुकेरा हैं और एडवोकेट फरीहा जाफर बाजवा हैं, जिनसे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाने से कबल डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों की तरबियत के हवाले से बात हो रही थी और रज़ा, जो अब तक बात हो रही थी मेरिट के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि मेरिट को अगर हम मज़ीद जो है आसानी से समझना चाहें तो मेरिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है ईमानदारी से। हम कितना ईमानदार हैं, हम कितना ऑनेस्टली को जो है वो प्रमोट करते हैं, ऑनेस्टली अपने काम किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मेरिट इसकी तरफ इशारा करता है। और इसी में अगर तरबियत को लाया जाए तो पेरेंट्स कितना ऑनेस्टली अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग में किरदार अदा करना चाहते हैं, यहाँ पर ये रोल भी आता है। वो पेरेंट्स जो ये समझते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, अब टीचर जाने, बच्चे जाने और बच्चों की तालीम ही सब कुछ है, तरबियत को देखा जाएगा, वो खुद ही होती रहेगी या वो खुद ही सीखते रहेंगे तमाम तर चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट। और वो पेरेंट्स जो कि उतना ही कॉन्शियस हैं कि जितना बच्चे तालीम हासिल करें, जितने बच्चे के पास डिग्री हो उतनी ही उसकी तरबियत स्ट्रॉन्ग हो, उतना ही वो वैल्यूज़ से आशना हो, चाहे वो रिलीजियस वैल्यूज़ हों, चाहे वो कल्चरल वैल्यूज़ हों या फिर सोशल नॉर्म्स हों, उनको उसके हवाले से भी उतना ही अवेयर रखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों तरबियत के जो तरीक़ेकार हैं, वो बच्चे जो इन तरीक़ों से तरबियत हासिल करके आते हैं, फिर वो इस सोसाइटी का जब हिस्सा बनते हैं, प्रैक्टिकल वे में अपनी जब वो काम आगे बढ़ाते हैं या फिर अपने माशरे की बागडोर संभालते हैं, तो फिर वो कितना आसान होता है उनके लिए और कितना मुश्किल होता है। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इस जाने भी हम इशारा करें। तीन चार पर्सपेक्टिव हैं जो आपने अपने क्वेश्चन में रखे हैं, तरबियत के हवाले से बिल्कुल बात कर लेते हैं और ऑनेस्टी के हवाले से आपने बात की है। जब तक हमें ऑनेस्टी को एंटरटेनिंग किया जाएगा ना, उसको रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, उस ऑनेस्टी ने पेनेट्रेट नहीं करना सोसाइटी में। हम कौमी सतह पर, माशरती सतह पर ऑनेस्टी को डेली लाइफ में कितना रिवॉर्ड करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
और दोबारा जो कैप्टन साहब ने बात की थी, आप घर से शुरू करें और फिर हुकूमत वक्त तक जाएँ, आप सरकारी इदारों तक जाएँ, आप प्राइवेट इदारों की हमने बात की कि हर जगह पे सीधी बात को, सच्ची बात को कितना इंटरटेन किया जाता है। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं और जिस जिस कन्फ्यूज्ड ज़िंदगी में रह रहे हैं, अब मुझे नहीं पता आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी दोनों थोड़ा ज़्यादा यंग हैं, तो उनके जब प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट होगी तो मैं उनके कॉन्टेक्ट उनके किताबों को ज़रा खंगालने की कोशिश करूँगा कि आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है, जो हमें छोटे छोटे मज़ामीन पढ़ाए जाते थे, छोटी छोटी सबक हम उस कहानियाँ पढ़ाई जाती थी अंग्रेज़ी की, उर्दू की, और उनके उनके जो सबक अमोज नताइज थे उनको वो हमारे जहनों में के बैठे हुए थे बिल्कुल। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आके किसी पोजीशन पर बैठ के किसी मीटिंग में बैठ के बात की जाती थी तो आप बेवकूफ़ गिरदाने चाहते थे और आपको समझ आती थी कि आपको ज़िंदगी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना है। बिल्कुल ऐसे ये जो कन्फ्यूज मुआशरा है ना हमारा, जिस तरह कैप्टन साहब ने बात की जापानीज सोसाइटी के हवाले से, वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, इतने सीधे लोग हैं कि मुंह के ऊपर सीधी और गलत बात करते हैं। उनको उनको इतनी छोटी छोटी, मेरे कुलीग थे उधर गए हुए थे एक ट्रेनिंग पे, और तो उन्होंने एग्जांपल कोट की कि उन्होंने हमें ना मुख्तलिफ सिस्टम दिखा रहे थे आईटी के, तो उन्होंने दिखाया जी ये हमारा कार ट्रैकिंग सिस्टम है। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, इससे आगे की चीज़ क्या है? कहते क्या, कहते पाकिस्तान में तो अब एंटी जैमर्स चाहिए होते हैं। कहते वो क्या है? कहते कोई 12-15 कंट्रीज के डिफरेंट लोग उनके साथ थे, किसी को नहीं पता था कि अब भी पाकिस्तान में इस तरह के भी सिस्टम मौजूद हैं जो इस कार के ट्रैकिंग सिस्टम को जैम कर देते हैं, तो उनके लिए एंटी जैमर इनेबल करना पड़ता है, मेरी गाड़ी चोरी हुई। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड देयर। जिस तरह कैप्टन साहब ने बात की ना कि लोग वॉलेट छोड़ के, चाबी छोड़ के अपनी अपनी सीट पे टॉयलेट चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, सीट उनकी रिजर्व रहती है, चीज़ उधर पड़ी रहती है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसको जो मैंने एग्जांपल दिया है, दोनों आपस में कितनी कोरिलेट हो रही हैं। सही, अब वापस आ जाएं हमारे माशरे में, हम क्या बच्चों का रिवॉर्ड, उस ऑनेस्टी के अगेंस्ट हम क्या रिवॉर्ड कर रहे हैं? घर बैठे बच्चों के हमने सामने बैठ के फ़ोन पर जब हम बात कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान में जो गोलियाँ करा रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं। और एक बहुत फेमस आजकल और वायरल डॉक्टर साहब हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उनकी मैं अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ। उन्होंने एक बात की है जिसने मुझे परेशान कर दिया, अभी का यू नो यंग पेरेंट, अभी मेरी बेटी 4 साल की है, बेटा मेरा 2 साल का है। उन्होंने जो बात की है कि बच्चा 7 साल की उम्र तक लॉक हो जाता है कि ये सही है और ये गलत है, उसके बाद आपका साइकोलॉजी ये कहती है कि 7 साल तक बच्चे की ग्रूमिंग हो जाती है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। ये मैंने रिसेंटली पिछले 2-3 दिन के अंदर ये मैंने उनकी बात सुनी है, और मैंने अपने आप को, मैं बड़ा परेशान रहा हूँ, मैंने अपने आप को रिवैल्यूएट किया है, आया मैंने 4 साल खो दिए अपनी बेटी के, क्योंकि 3 साल तो मेरे पास है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन वो सही और गलत उसने अगले 3 साल में सीखना है, और उसके बाद एक सेट हो चुका है, एक पैरामीटर उसके अंदर, एक कंप्यूटर ने उसके अंदर पैरामीटर कोडिंग उसके माइंड में रख दी है, उसको ब्रेक करना, उसको आगे जाके जिंदगी के लर्निंग कर्व को सामने रखते हुए मुश्किलात को और ऊंच नीच में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या लिखी है उससे रीसेट होना, उसमें बड़ा टाइम लगता है, और उसके लिए हमने बच्चों को रीसेट भी नहीं किया हुआ। वापस ले आए इस सारी साइकोलॉजी को, आप ऑनेस्टी के अगेंस्ट रिवॉर्ड करना और बच्चों को ऑनेस्ट बनाना, उनको सच की तरफ रागब करना और उनको बताना कि झूठ गलत है, नहीं नहीं ठीक है। हम बच्चे से पूछते हैं आपने काम किया, वो कहता है मैंने किया, हम उससे उल्टा डांटते हैं। दूसरी दफ़ा तो बच्चे ने बात नहीं की है, मेरे साथ फिर पर्सनली ये हुआ है, बेटी ने गाड़ी में उसे छोड़ के गया, उसने छोटी सर्किट किया, वापस आके मैंने कहा आपने किया, भाई ने किया, उसने कहा मैंने किया। एक ही दम मेरे जहन में आएगा रजा, अगर मैं इसको कहूँगा कि आपने ये बात की है, ये दूसरी दफ़ा झूठ बोलेगी, तो मैंने उसे कहा कि बेटा इस तरह नहीं करना। यू नो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर इवन फॉर अस कि हम जो दफ्तर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम जो रेडियो की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम बाहर जो सोशल सर्कल गुजार रहे हैं, और वापस जब बच्चों के सामने आ रहे हैं, हमारे लिए बिना पेरेंट बड़ा मुश्किल है बैलेंस आउट करना। Definitely. वो शाम की चीज़ें, वो दिन की चीज़ें अनलर्न करके कम से कम बच्चे जो हैं वो सच के ऊपर अपनी बुनियादें खड़ी करें, वो ऑनेस्टी के ऊपर अपनी बुनियादें खड़ी करें, और फिर इसी चीज़ को लेके जाएंगे तो मेरिटोक्रेसी को एक्नॉलेज कर सकेंगे। आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें 2-3 पर्सपेक्टिव ऑनेस्टी के हवाले से, तरबियत के हवाले से और सच के हवाले से थे। इन तीनों चारों पिलर्स को हम कितना कॉम्प्रिहेंसिवली सोचने को तैयार हैं, हम कितना कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी एनर्जीज प्रायोरिटाइज करने को तैयार हैं, बच्चों को लेकर बैठने को तैयार हैं कि उनकी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है उधर वीडियो के ऊपर, 7 साल तक हम कम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं कि यार 7 साल तक ये बच्चा तैयार हो जाए। हम ये कहते हैं ना कि ये बच्चा मैट्रिक में अच्छे नंबर ले ले तो फिर कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, फिर आप यूनिवर्सिटी में चला गया तो फिर जॉब में सेट हो गया ना, तो फिर जिंदगी सेट होगी। जिंदगी नहीं सेट होनी, जो आजमाइशें लिखी हैं,
जो कैरियर की ऊंच नीच लिखी है, जो मुश्किलात लिखी हुई हैं, वो वापस उसी बात पे जो डॉक्टर साहब ने वो वीडियो में की है कि 7 साल तक उसने सही और गलत की जो कोडिंग अपने जहन में सेट कर दी है और आपने उसको उसके ऑनेस्टी को जितना रिवॉर्ड करना उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल बना दिया है, ये उसकी ज़िंदगी डिफाइन करेगा, ये उसकी डायरेक्शन डिफाइन करेगा। और यू नो फिर अगेन मेरे जैसे लोगों के लिए अनलर्न करना कि पिछले 10-12 साल के कैरियर में 13 साल के कैरियर में उस झूठ और सच का मिजाज सिखाया जाता है, बिल्कुल बताया जाता है कि ये बात नहीं बतानी, आपने ये बात नहीं लिखनी, आपने ईमेल को इस तरह कहना है। और फिर उसके अलावा इंटरनेशनल फोरम पर जब जाके बैठने का मौका मिला, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, वो जो डबल मीनिंग टर्मिनोलॉजीज हैं उनके अंदर वो जो डबल मीनिंग सेंटेंसेस आपने आपके हाथों से लिख के आप अप्रूवल लिख के देते हो, वो आपको एक ड्यूल पर्सन बनाते हैं। और वो ड्यूल पर्सन आज की दुनिया के साथ क्या कर रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मेलबर्न की स्ट्रीट से लेके पेरिस की स्ट्रीट्स तक और मिनेसोटा की स्ट्रीट से लेकर वाशिंगटन डीसी की स्ट्रीट्स पे आज हमें नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रहा है। और आने वाले वक्त में अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा अपना तवाज़ुन बरकरार रखे तो आज ही से हमें ये समझना होगा। फरिया साहबा, जैसे कि रजा से भी बात हुई, डॉक्टर साहब से भी बात हुई, तो हम ये देखते हैं कि अगर COVID-19 या कोरोना वायरस से पहले की सूरत हाल देखें तो हमारे अंदर वो कौमी तरक्की वाला जज्बा कहीं हमें ख़त्म नज़र आया, और यही नज़र आया कि आज हमारा बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर ले, अच्छी डिग्री ले ले तो हम इसको बाहर सेटल करते हैं, हम इसको मुल्क से बाहर भेज दें। अगर ये जज्बा हम रिवाइव कर दें और ये कहें कि हमारा मुआशरा तरक्की करें, हमारा मुल्क तरक्की करें और कौमी तरक्की में हमारा बच्चा ये पढ़ लिख के, ये सीख के, ये सर्विसेज लेके अपनी सर्विसेज यहाँ पे दे के जो है इस मुल्क का नाम रोशन करें, तो मेरा ख्याल है कि ये मुआशरे का तवाज़ुन बरकरार क्या रहेगा, ये तो दिन ब दिन निखरता और उभरता चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री भी करती हूँ। और ये जो एक सोच होती है कि पढ़ा लिखा के और अगर आप इतने रिसोर्सफुल हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को जो है वो बाहर, और बाहर के भी कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं बच्चों को, तो अगर वो जो माइंड सेट है कि अगर हम उनको इतना पढ़ाएं लिखाएं और फिर उसके बाद उनको हम पाकिस्तान में ही अच्छी की पोस्ट पे सेट करें, अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव बने, पाकिस्तान के लिए वो जो हमारा हम कहते हैं ना कि कौमी तरक्की और कौमी धारे की जो है वो उसमें बह जाएँ, तो वो जो चीज़ है, वो जो सारे चीज़ें आप देखते हैं, तो वो माइंड सेट जो है वो पेरेंट्स का है, उसने बच्चों में ये चीज़ डालनी है। और जहाँ तक बात डॉक्टर साहब ने भी की, रजा ने भी की, बात तरबियत की है, बात नीचे से शुरू होती है, बिल्कुल आप जब तक नीचे से ठीक नहीं करोगे आप बिल्कुल टॉप को जाके एकदम से ठीक नहीं कर सकते हो अपनी किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से। तो जो तब्दीली या जो भी कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हो वो आप नीचे से ग्रास रूट लेवल से चेंज, और वो बातों से नहीं होगी, और बातों से नहीं होगी, प्रैक्टिकल से होगी। और एक और बात जिसे मैं ये कहूँगी कि चेंजेस कैन नॉट कम ओवरनाइट, ये टाइम लगता है। आप अपना हिस्से का अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप इसको स्टार्ट करें, आप इसको आज से शुरू कर दें, आपके घर वाले आपको बेवकूफ़ कहना शुरू करेंगे, मोहल्ले वाले कहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कोई भी चीज़ जो है, किसी भी चीज़ का इनाम जो है वो अल्लाह पाक नहीं रखता, वो दे देते हैं आपको, और वही आप आहिस्ता 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 मिसाल बनते जाते हैं। आज से पहले अगर हम सोचें तो जब अब्दुस्ता रेदी ने शुरू किया होगा तो लोग क्या कहते होंगे कि ये कपड़े का ताजर था और ये क्या बन गया, लेकिन देखें उसने इंडिविजुअल लेवल पे उसने बहुत लोगों के ताने तशनी सुने होंगे, लोगों ने कहा होगा ये जिंदगी में क्या करेगा, इसके बच्चे क्या करेंगे, ये आगे जाके बड़ा आदमी नहीं बनेगा ये, लेकिन वो लगा रहा और अपनी आज दुनिया उसको मान रही है, बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ये जो मानना है वो ये है कि जो माइंड सेट आपने कहा कि भाई वो ये वाली बात ही होनी चाहिए कि बेमकसद ही बहे जाते हैं बहरे जिंदगानी में, कोई वो हमारे पास वो ना मंजिल है तो ना हमारे कोई गोल सेट है, आपने कहा था कि कोई गोल सेट कर लें तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, फिर अगर हमने कोई ऐसे गोल सेट कर भी लिए हैं तो अगर हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते या उन तक पहुँच नहीं सकते तो वो हम जो है वो मेरा ख्याल है कि वो और ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में चले जाएंगी चीज़ें, कि भी हम थे वो गोल्स हमारे थे और हम उन तक नहीं पहुंच सके। तो वो मैंने कई बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि आप मंजिलें अपनी जो है अपने गोल्स जो हैं वो सेट ज़रूर करें और आप उन तक पहुंचने की उनको अचीव करने की कोशिश भी करें, लेकिन उसके दरमियान उस गोल और आपके दरमियान में वो जो एक रास्ता है जहाँ से आप गुजर के जा रहे हो आप उस रस्ते को उस सारी एफर्ट को इंजॉय करें। सही,
मंजिल तक पहुंच जाना या ना पहुंच जाना, लेकिन आपको ये ना हो कि भी मैं जो ये सारी मैंने एफर्ट की, अब रोज़ अगर मेरी अगर मेरा ये गोल है कि जी मैंने इतना कामयाब होना है कि मैंने फलां पोस्ट पे बैठना है, और वहाँ तक जाने के लिए मुझे ख़ुद पे कितनी मेहनत करनी है, मुझे ख़ुद पे कौन कौन से एग्ज़ाम मैंने पास करने हैं, तो मैं इतना ख़ुद पे तारी कर लूँ कि मैं वो जो रस्ते की वो जो जितनी भी है वो सिर्फ सख्तियाँ जो है वो झेलता रहूँ, मैं रस्ते की खूबसूरतियों को इंजॉय ना करूँ, तो वो मंजिल मिल भी जाएगी तो मेरी ज़िंदगी के वो खूबसूरत साल उसी एफर्ट में गुजर जाएंगे, और जो कि वापस कभी भी मुझे नहीं मिल पाएंगे। तो हर चीज़ की वो जो बात है ना कि आप हर चीज़ को वक्त के साथ साथ आप जब जा रहे हो तो चीज़ों को आप इंजॉय भी करते जाएं और हासिल भी करते जाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है ना कि ये जो तवक्कल वाली बात है या जो भी है, तो ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिलनी है, आप बहुत ज़्यादा कमा के भी आप अगर बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, या मैं आई डोंट हैव किड्स, तो मुझे कहते हैं कुछ लोग कुछ फैमिली में तो कि आप लोगों की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, हम कोई डायनासोर की आखिरी नस्ल में से हैं भाई कि भी हम ख़त्म हो जाएंगे, इंसान है ना, इतने सारे इंसान हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनको थोड़ा सा हमें सप्रेस करना है कि आप जो रास्ते की खूबसूरती है उनको एंजॉय करते जाएं, आप लोगों के लिए करते जाएं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा ना हो कि आपने एक गोल सेट किया है कि आपने वो अचीव करना है, और अगर वो अचीव नहीं करेंगे तो आप अपने जोगे भी नहीं, आप माशरे जोगे भी। बिल्कुल, जो कि आजकल दिखाई दे रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल यही सोचती है कि एक अटेम्प्ट किया तो ठीक है हम पास हो गए, अदरवाइज हम अगर पास नहीं हो पाए एक छोटा सा फेलियर लेके साइड पे बैठ गए और ज़िंदगी ख़त्म, और ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और आप वहाँ पे बैठ के और आपने उसके बाद कुड़ना शुरू कर दिया कि मैं वहाँ नहीं पहुँचा क्योंकि वो फलाना वो बंदा जो था वो उस मिनिस्टर का जानने वाला था, या वो उसका था, या उसके पास वो सिफारिश थी, या उसका बाप जो है वो इस बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ था, इस वजह से हो गया। ये नेगेटिविटी भी हमें अपने अंदर से निकालनी है, हर वक्त ब्लेम गेम नहीं चलेगी, बहुत सी नेगेटिविटीज़ हम अपने अंदर रख के बैठे होते हैं, हमें उन नेगेटिविटीज़ से भी छुटकारा पाना है। और मेरिट को प्रमोट करने के लिए आपकी जो आपके आज के दोनों टॉपिक आपने शुरू में बताए हैं, दोनों ही बड़े मज़ेदार हैं, और दोनों ही मेरा ख्याल है कि कोरिलेट करते हैं, इंटरमिंगल्ड हैं। एक तो प्रॉपर मनसूबाबंदी कि आप अपनी लाइफ जब शुरू कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि मैंने बच्चे को ये बनाना है, तो प्रॉपर आपके पास एक मंसूबा बनना होनी चाहिए। बिल्कुल, हर यूनिवर्सिटी में कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटी तो खैर बाद में आती है जब आप बच्चे को दाखिल करा रहे हैं, जैसे रजा साहब ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट हिज किड्स, कि वो एक 4 साल की बच्ची और एक वो अपने बेटे के लिए ही इज़ वेरी कंसर्न, इसी तरह से हर पेरेंट कंसर्न होता है। बट ये अब इस लेवल पे बच्चों की काउंसलिंग नहीं करनी है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है कि बच्चा जो बनना चाहते हैं उसको बनने दो, आपने 7 साल तक उसे सिखा लिया, अखलाकियात सिखा लिया, लॉक कर दिया। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जापान वाले जो हैं वो, मैंने भी ये रिसर्च कहीं पढ़ी कि वो जो है वो किताबें, और हमारे तो बस्ते इतने भारी होते हैं, वैन वाला उठा रहा होता है, ड्राइवर उठा रहा होता है, माँ या बाप में से कोई उठा के ले जा रहा होता है, तो हमें सिर्फ इखलाकियात 7 साल तक सिखा लो, उसके बाद बच्चे को डालो और आप उसका इंटरेस्ट देखो कि वो कहाँ जाना चाह रहा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ठीक है, वो जो जिस तरफ वो जाना चाह रहा है, तो अगर वो उस तरफ ही वो जाएगा तो हर बंदा हर बच्चा जो है वो फितरत सलीम पे पैदा होता है, उसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं। अल्लाह पाक ने अगर किसी को एक्स वाई जेड में अच्छा किया है तो ए बी सी में दूसरे बच्चे को अच्छा किया होगा, तो वो अगर उनको हम शुरू में ही एज अ पेरेंट्स वो जहाँ जहाँ बहना चाहते हैं उनको जाने दो, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, रेस ना लगाओ, उनके जो हर बच्चा पायलट है, उनके जो ये मंजिल है उसको अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे अंदाज में अचीव करे तो डायरेक्शन हमने ही प्रोवाइड करनी है। तो ये पेरेंट्स की जो काउंसलिंग है ना, वो शुरू में तो पेरेंट्स की काउंसलिंग, उसके बाद जब बच्चा अपनी अपनी फील्ड में जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको एक दूसरे के मेरिट को कैंची से कट करना पड़ेगा। डेफिनेटली जो अपनी अपनी फील्ड में निकला है, जिस की उसमें खुदादाद सलाहियत है, अल्लाह पाक ने हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत रखी है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा परफॉर्म कर सकता अच्छा है, तो लिख सकता है, तो डेफिनेटली वो जिस साइड में जाएगा तो वो अपनी जब उस पर जाएगा तो अपनी कामयाबी की तरक्की की वो मंजिलों को वो छुएगा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो बेहतर होगा। और इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी सॉरी जो आपने बात शुरू में की थी ना कि अगर वो बाहर ना जाएं और पाकिस्तान में रहें, तो इसमें जो HEC के कुछ ऐसे आए थे स्कॉलरशिप्स 2005 और उसके बाद के टाइम में, ये चीज़ मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की कि लोग गए PhDs के लिए, मास्टर्स के लिए, MPhil के लिए, और वो लोग वापस नहीं आए, और अगर वापस भी आए तो वो उस एग्रीमेंट के तहत उन्हें 5 साल पाकिस्तान में आके परफॉर्म करना था जी।
उन्होंने वो नहीं किया, नहीं किया। तो अगर आप इतने एक पीएचडी से बड़ी तो डिग्री हुई नहीं है, अगर इतने बड़े लेवल पे आप करप्शन की वो चीज़ देखते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं जी वो उसके पास इलम नहीं था या वो जाहिल था या वो ऐसे था, तो बात वहीं से शुरू होती है कि वो चोरी की जो तरबियत थी ना वो बचपन से उसमें थी, कि वो डिग्री उसने हुकूमत पाकिस्तान के उस स्कॉलरशिप से ले ली, उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आने से इनकारी हो गया। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वही बात होती है कि हर बाप माँ बाप अगर कंसर्न हो कि ओ हो 7 साल तक सिखाना था, तो अगर वो 7 साल तक इखलाकियात ही बढ़ाओ उसके बाद फिर जाओ भी उन्हें बजाय इसके कि 4 साल में स्कूल भेज दो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की फरीहा ने, और इन डिटेल हमने इनसे जाना कि किस तरह से मेरिट को अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो हमने तरबियत को स्ट्रॉन्ग बनाना है। डॉक्टर साहब, जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो वहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि तरबियत सामने आती है, मनसूबाबंदी से ज़िंदगी आसान है। तो मनसूबाबंदी तभी बनाएंगे जब कोई हमारे पास डेस्टिनेशन होगी, कोई मंजिल होगी, कोई टारगेट होगा, कोई गोल होगा कि हमने इसको अचीव करना, ये हमारी जिंदगी का बेसिक मकसद है, इस मकसद के तहत हमने जिंदगी गुजारनी है और इसको अचीव करने के लिए ये डायरेक्शन है। आप जितनी मर्जी हर्डल्स आए, जितनी मर्जी ऑब्स्टिकल्स आए, जितने मर्जी प्रॉब्लम्स आए, उनको एक एक करके हम फेस कर लेंगे। डायरेक्शन का तायुन बाद में करना है, पहले मंजिल का तायुन करना है। मंजिल का तायुन कैसे कर सकता है एक इंसान जो कि अपनी जिंदगी के इनिशियल स्टेज पे है? देखिए, ये बहुत ही पहले टॉपिक से ज्यादा मैं समझता हूँ ये टॉपिक जो है वो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है। बिल्कुल, देखें कि जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों से ज़िक्र किया कि मैं ज़मीन पे अपना नायब इंसान बनाना चाहता हूँ। जी, यानी ये देखें कि प्लानिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है कि वो अल्लाह जिसके कुन कहने से सारे काम हो जाते हैं, तो अल्लाह ने भी प्लानिंग की, प्लान किया कि मैं एक इंसान बनाना चाहता हूँ। एक अपनी प्लानिंग के बारे में फरिश्तों से ज़िक्र किया। जब एक रब्बे कायनात जिसके लिए कुछ भी बनाना ना मुश्किल नहीं है, जब उसने किसी चीज़ के बनाने का फ़ैसला किया तो प्लानिंग की, तो इंसान बग़ैर प्लानिंग के अपने किसी भी शोबे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में कैसे कामयाब हो सकता है? बिल्कुल ऐसी। तो ये है कि किसी भी शोबे ज़िंदगी में, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो मज़हब हो, चाहे वो मुल्क की तरक्की हो, चाहे बिज़नेस हो, प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही, बग़ैर आँख बंद किए हम कोई काम भी नहीं कर सकते। अब कायनात की सबसे जो छोटी चीज़ है वो चींटी है। चींटी भी जो है वो सर्दियों के लिए जो अनाज है वो ज़खीरा करती है, सबसे पहले हाँ प्लानिंग करती है। आपने देखा होगा कि जो नेशनल ज्योग्राफिक पे अक्सर बचपन में हम देखते थे प्रोग्राम कि चींटी जो है वो सबसे पहले अपनी जो वो जो बिल होता है उसकी सबसे पहले सफाई करती है, कचरा निकाल के बाहर फेंकती है। हमने भी अक्सर गांव में आते जब देखा होगा कि चींटियों के बिलों के बाहर जो है ना वो ऐसे गंदम का भूसा और इस तरह की चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं, तो वो हमें बात पता चला कि ये अपने बिल की सफाई करती हैं सबसे पहले। उसके बाद उनकी ये मनसूबाबंदी होती है कि सर्दियों के लिए जो है ना किस तरह चीज़ों को दम करके रखना है और फिर हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब शहद की मक्खी को देखें तो देखें शहद की मक्खी के अंदर इट्सेल्फ खुद अंदर एक पूरा एक प्लांट होता है, उसकी पूरा एक मैकेनिज्म है कि किस तरह उसमें शहद बनता है। वो भी यही करती है कि जब सर्दियां शुरू होने से पहले वो एक मनसूबाबंदी करती है, जगह जगह फूलों से रस चूस के कई किलोमीटर चल के उड़ के जाके वो वहाँ से रस इकट्ठा करके लाती है, फिर उसको शहद में कन्वर्ट करती है, फिर उसको जो है ना ये भी एक टीम वर्क, एक टीम वर्क, एक टीम वर्क होता है उसमें। इतनी गहराई है कि अगर आप उस तरफ अगर आप शहद की मक्खी को आप पढ़ना शुरू कर दें तो आप सुबह से पढ़ना शुरू और रात हो जाए कि किस तरह उसमें जो है ना एक मलका होती है, किस तरह मलका अंडे देती है, किस तरह उसकी लड़ने वाली फौज होती है, किस तरह काम करने वाली फौज होती है, तो वो किस तरह जो है ना अपने सर्दियों के लिए जब मौसम ठंडा होता है और फूल नहीं होते तो किस तरह जो है ना वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें इकट्ठी करती है। तो हम ये देखें कि जब एक छोटी सी कायनात की सबसे छोटी सी चींटी जो है उसको अगर अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि वो मनसूबाबंदी करती है, उसको मनसूबाबंदी करनी है, तो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है तो उसको क्यों नहीं पाबंद, वो क्यों नहीं पाबंद कि वो हिकमत अमली से काम ले और वो क्यों ना प्लानिंग क्यों ना करे। बग़ैर प्लानिंग से इंसान किस तरह कामयाब हो सकता है, बग़ैर मनसूबाबंदी से इंसान किस तरह कामयाब हो सकता है? लेकिन हमने अभी रिसेंटली COVID-19 के सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमने खुदा ना खास्ता मनसूबाबंदी को शायद ज़खीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में ले लिए। आपने देखा है कि 4 रुपये का मास्क आता था वो जो है वो 50-50 रुपये का बिक रहा था, इस तरह जो है हर चीज़ मार्केट से गायब होना शुरू हो गई। कुछ लोग कुछ सैनिटाइज़र, यकीन करें कि सैनिटाइज़र मेरी गाड़ी में होता था, मैं कहीं वर्कशॉप में गाड़ियाँ काम करवाता था तो वहाँ अवेलेबल नहीं होता था सोप वगैरह, तो मैं हाथ साफ करने के लिए कि हाथ साफ़ हो जाए
तो मैं रखता था। अक्सर मुझसे लोग मैकेनिक या जो भी वर्कशॉप के लोग मुझसे पूछते थे डॉक्टर साहब ये क्या है, तो मैं इनको बताता कि ये जस्ट लाइक अ लिक्विड सोप है। अभी ऐसा है कि हर जगह जो है ना सैनिटाइजर दो नंबर सैनिटाइजर मार्केट में आना शुरू हो गया, और हर जगह जो है ना वो जो 50 रुपीज़ का मिलता था वो 200 रुपये का मिलना शुरू हो गया। तो मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इसका तासुर कि खुदा ना खास्ता कहीं मनसूबाबंदी जो है वो शायद ज़खीरा अंदोज़ी का नाम है। इसमें दो तरह के लोग शामिल हैं, एक तो वो लोग जिन्होंने बजाय कि वो खौफ खुदा करते हैं कि ये एक वबाई मर्ज़ है तो हमें भी ये लग सकती है, उन्होंने ज़खीरा अंदोज़ी की कि हम चीज़ को मुफ्त अभी कम पैसों में लेके उसको महंगे दामों बेचेंगे। जैसे कि कैवा क्वीन के बारे में मशहूर हुआ कि जी ये बड़ा अच्छा काम करती है, ये तो 40 रुपीज़ का वो एक जो पैक था वो 4000 रुपीज़ का ब्लैक में बेचना शुरू हो गया, लोगों ने उसको ब्लैक कर दिया, अपने पास स्टोर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के जाने में मरना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बैक सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के सत सवेरा में दो टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करें, जिसमें सबसे पहले जो है हमने कौमी तरक्की की बात की, माशरती तवाजुन को बरकरार रखने की बात की, और इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, मेरिट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, मेरिट के कल्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस पर भी हमने गुफ्तगू की। साथ ही साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि अगर हम मुनासिब मनसूबाबंदी करते हैं, मौसर मनसूबाबंदी करते हैं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद हो, अगर हम मकसद का तायुन कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर मनसूबाबंदी करते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई थी ब्रेक पे जाने से कब कि डॉक्टर साहब लोग मनसूबाबंदी को करने को समझते हैं कि शायद वो अगर मुनाफाखोरी कर रहे हैं या ज़खीराअंदोज़ी करें तो वो बेहतरीन प्लानिंग करें आने वाले वक्त के लिए, जबकि ये भी किसी की हक तलफी और ये भी मेरिट के कल्चर की धज्जियाँ बिखेरने के मुतरातिब है। जी बिल्कुल, तो मैं अपनी बात को कम्प्लीट करना चाहूँगा कि लोगों ने पहले मास्क को स्टोर करना शुरू किया, और उसके बाद जो है वो N95 मास्क को स्टोर करना शुरू किया, फिर उसके बाद लोगों ने कैवा क्वीन आई उसको स्टोर करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने कहा भी कि आप इसको स्टोर ना करें, तो अगर किसी को ज़रूरत होगी, बेसिकली ये प्रिवेंटेशन में इस्तेमाल नहीं होती, ये सिर्फ जस्ट अमेरिका में इस पर ट्रायल हुई हैं, तो अगर ये ज़रूरत हुई तो ये हमारे पास बहुत क्वान्टिटी में ये लोकल प्रोडक्शन है तो ये आपको मिल जाएगी। तो आप यकीन करें कि जो ब्लिस्टर 40 रुपीज़ का था वो 4000 लोगों के पास ब्लैक में बैठने लगा। मेरे खुद मुझे जानने वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब हमें कैवा क्वीन मंगवा दें, किसी वो फिर बीच में सना मक्की आ गई है, किसी लंदन में किसी पाकिस्तानी डॉक्टर साहब ने कहा कि सना मक्की बड़ी अच्छी चीज़ है तो वो इस्तेमाल करनी चाहिए, तो मुझे इतने जानने वाले ने फ़ोन किया कि हमें सना मक्की ला दें, हम कि जाते हैं लोग सना मक्की ले रहे होते हैं। सेम हमारी मेडिसिन के साथ ये हुआ कि हमारी मेडिसिन जो हमने लाइकोपोल जो रजिस्टर करवाई ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए, नज़ला ज़ुकाम खांसी और गले का इन्फेक्शन बुखार, मतलब ये जो प्री कोरोना के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी हमने जो लॉन्च की, तो उसमें हमें भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि हमारी मेडिसिन भी मार्केट से गायब होना शुरू हो गई। हमने अपने तमाम जानने वालों को कहा कि भाई आप इसको इस तरह ज़खीराअंदोज़ी ना करें, अगर आप तमाम लोग अगर दो दो तीन दिन पैक अगर इकट्ठे करना शुरू कर देंगे तो हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हमने फिर ये किया कि हमने सेंटर पर ये किया कि पर NSE हम ना एक ब्लिस्टर देंगे, एक पैक भी नहीं एक ब्लिस्टर। तो अभी हमने लेटेस्ट ये किया है कि हमारे तमाम सेंटर्स पे एक NSE पे एक ब्लिस्टर मिलेगा जिसमें 10 टैबलेट्स होती हैं, और एक बंदे के लिए वो 10 टैबलेट्स काफ़ी हैं। जब 3 दिन मेडिसिन खाने से नज़ला ज़ुकाम खांसी ठीक हो जाता है तो 4 पैक किसी को लेने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि कोई 80 टैबलेट्स जो है ना वो स्टोर करके रखें। तो ये कि हमने अल्लाह पे एतमाद और एतकाद छोड़ दिया है, हमने ये सोचा है कि ये अल्लाह ने हमें शफा नहीं देनी, इस जो है ना लाइकोपोल ने शफा देनी है, इस पैनाडोल ने शफा देनी है, इस सनामकी ने शफा देनी है, तो हमें ये चाहिए कि हम जो है जो इस्लामी तर्ज ज़िंदगी है उसको अपने ऊपर लागू करें, और मनसूबाबंदी और रियाकारी और चीज़ों को स्टॉक करना, ज़खीराअंदोज़ी उसको हम उससे गुरेज करें। अब उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो लोग जिन्होंने डर के मारे चीज़ स्टोर कर ली कि मेरी ज़रूरत अगर फ़र्ज करें कि 2 kg चीनी की पर मंथ है तो मुझे डर लगा कि ऐसा की मार्केट से गायब हो जाए तो मैंने 10 kg ला के रख ली। एक वो लोग हैं जिनको पता था कि अब ये स्टोर हो हम सब मार्केट से इकट्ठी खरीद लेंगे तो इसके रेट इंक्रीज़ होंगे
तो ये हुआ कि लोगों ने जो है ना वो पहले से कई टन चीनी इकट्ठी करके रख ली और बाद में उसको मार्केट में लोगों को बेचना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली वक्ती तौर पे तो उनको लग रहा होगा कि ये फ़ायदा है, लेकिन जिस चीज़ से मेरे रब ने मना किया है उसमें यकीनन घाटा है, उसमें नुकसान है, लेकिन हमें वो नुकसान उस आँख से, हम दुनियावी आँख से हमें वो नुकसान नज़र नहीं आ रहा हो, तो हम वक्ती फ़ायदे के लिए अपने घर में बीमारियाँ, परेशानियाँ और मुसीबतें इकट्ठी करके ले। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब आपने बजा फरमाया। रज़ा, हम मनसूबा बंदी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस पर दो माइंड सेट्स हैं। एक वो जो कि हर काम करने से पहले या फिर अपनी दिन गुजारने से पहले भी प्रॉपर मनसूबाबंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर उनके पास टाइम टेबल है, स्केड्यूल मेंटेन करते हैं, और दूसरी जानब वो लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, जब आएगी, जब मुसीबत सर पर पड़ेगी तो निमट लेंगे, अभी तो हमने अपनी ज़िंदगी जीनी है, अभी क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की, अभी क्या ज़रूरत है एफर्ट्स करने की, जब होगा मसला तो देखा जाएगा। ये जो दोनों माइंड सेट्स हैं इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कीजिएगा और फिर ये बताइएगा कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं इन दोनों के। वो शायर ने कहा था कि अपनी हर सोच का महवर मैं ही हूँ, सोच कर सोचा मेरा हर फैसला मुझसे पहले लिख दिया होगा। अब ये जो सिल्वर लाइनिंग है ना और एक डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। अब डॉक्टर साहब ने भी रेफर किया अभी कि ईमान और इत्तेकाद की भी कमी है। अच्छा, अगर ईमान और इत्तेकाद है तो फिर आपको मनसूबाबंदी की क्या ज़रूरत है। लेकिन कायनात की तख्लीक, इसकी इमर्जेंस, इसके पैटर्न्स, डीप यूनिवर्स में आपके टेलीस्कोप, आपके साइंटिस्ट जितना उतर रहे हैं तो वो समझ आ रही है, एक तंजीम, एक तरतीब, एक बनाने वाले ने रखी है और वो मनसूबाबंदी नज़र आ रही है, चीज़ें कंक्लूड होती नज़र आ रही हैं और हम और हर टाइम फैलती नज़र आ रही है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं कायनात को हर वक्त फैला रहा हूँ और हर वक्त कुछ ना कुछ हमें ख़त्म होता भी नज़र आ रहा है, लेकिन एक तरतीब, एक तंजीम तो है। एक बात तो हुआ, उसमें कोई शुबा नहीं है कि इस मनसूबाबंदी के अलावा वो तरतीब और तंजीम ज़िंदगी में नहीं आ सकती, वो ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। इस तंजीम और तरतीब को हम अपने पर इतना हावी करके समझते हैं कि हम ऑनर हो गए हैं हर चीज़ का, हमारे पास ऑनरशिप हर डिलीवरेबल की आ गई है, और जब कायनात उसके ख़िलाफ़ आपको कोई रिजल्ट देती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले कुछ और होते हैं और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत नाइस मेरे एक जानने वाले थे, मैं उनके पास किराए का मकान रह के लेता रहा, उनके ऊपर कुछ मुश्किल आई, उनका बेटा भी शहीद हो गया, लेकिन वो हम जब उनके पास रह रहे थे तभी उनके ऊपर एक फेज़ आया कि उनकी प्रमोशन ड्यू थी और एक अनड्यू बंदा प्रमोट होकर आ गया। ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, वेरी पोलाइट पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन और बहुत लर्नड आदमी थे। बुक्स लिखी हुई थी उन्होंने, शायरी की किताबें लिखी हुई थी, लेकिन उस एक वाकया ने उनको उनको डिप्रेशन में भेज दिया और उसके बाद ज़िंदगी की तरतीब उनके लिए हिल के रहेगी। बिकॉज इंसान यही समझता है कि आई एम द ओनर ऑफ एवरीथिंग और मैंने अब सब कुछ प्रायोरिटाइज कर लिया ना, और मैंने अपनी एनर्जी इस प्लानिंग के ऊपर इतना कर लिया कि अब तो जो मैंने कहा है वही होगा, और जब उसके बरक्स कुछ होता है तो इंसान बिखर के रह जाता है और दोबारा अपने कदमों पर उस तरह की साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के बाद खड़े होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में हमारे लिए बैलेंस आउट करना। इस तंजीम और तरतीब को तो ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, लेकिन साइकोलॉजिकली कुछ है इस कायनात में जो उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर अपने लेक्चर में अक्सर कोट करते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च के न्यूरो साइंटिस्ट ने ये बात देखी कि आपके जब आप फैसला सफी कर रहे होते हो, आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को वैल्यूएट कर रहे होते हो, दिमाग के इंटरनल पार्ट से, ब्रेन के इंटरनल पार्ट से एक न्यूरॉन निकलता है और आपके फैसला सफी के अमल को तहोबाला करते हुए आपके फैसले को हावी हो जाता है और वो आपका फैसला होता है। और वो हज़रत अली का कॉल कि मैंने अपने बदलते इरादों से अल्लाह ताला की ज़ात को पहचाना, उस मनसूबाबंदी के अगेंस्ट, उस प्लानिंग के अगेंस्ट, ये जो अल्लाह की विला है, इस रब कायनात के कुछ फैसले हैं, कुछ पन तक है, जो हिकमत है, जो आपकी मेरी सोच, आपकी मेरी मनसूबाबंदी से बहुत आगे है, इसके दरमियान की चीज़ अगर हम ऑफ कर लें तो मेरे ख्याल में फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरे ख्याल में एडवोकेट साहिबा बात कर रही थी कि जो सफ़र है, सफ़र के दौरान उस सफ़र को एंजॉय करना और मुश्किलात को एंजॉय करना, इन द एंड मंजिल पर आगे तो डिप्रेशन ही है और वो हमें नज़र आ रहा है। एडवोकेट साहिबा जो आपने बात की ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बात बहुत आम है, मेरे बॉस अभी रिसेंटली वहाँ से आए हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि मेरे बहन भाई वापस आना चाह रहे हैं स्वीडन डेनमार्क से, बिकॉज जिंदगी स्टैगनेंट है, एवरीथिंग इज सेटल्ड देयर, वहाँ कुछ स्ट्रगल करने को है ही नहीं है, आपके बच्चों की तालीम ठीक है, सेहत के कोई मसाइल नहीं है, लेकिन और उनके सोशल मसाइल है, माशरती मसाइल है, जिन पर मैं वक्ता फ़वक्ता दोस्तों से बात करता रहता हूँ, लेकिन उस मंजिल तक पहुँचने का जो सफ़र है उसको इंजॉय करना। ठीक है, आप अपनी प्लानिंग करें, उस तंजीम और तरतीब को कायनात के हिसाब से रखें,
शेख रशीद साहब का एक बड़ा रिसेंटली इंटरव्यू आया है ईद वाले दिनों में। अच्छा। और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की और दैट इज़ एन आई ओपनिंग। कहते जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो मतलब मुकाबला है ना वो अगर सुबह 9-10 बजे उठ रहा है ना तो मुझे समझ आ जाती है कि इलेक्शन हार जाएगा। अच्छा। बिकॉज मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, इसी तरह के लीडिंग बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स हैं, अपार्ट फ्रॉम आर यू नो वो रिलीजियस पैस में जाए बगैर आप ये देख लें कि वो लोग जो उठ रहे हैं सुबह 4-5 बजे उनकी ज़िंदगी का पैटर्न ही डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो उस उनके दिन की ऑनरशिप डिफरेंट है। और शेख साहब की इस बात को आप रिलेट करके देखें, फिर उन्होंने अगली एक बात की वो मेरे ख्याल में कंक्लूड कर देती है सारी बात। कहते ये ज़िंदगी इस तरह नहीं है कि सिर्फ सोते रह जाओ या खा पी के गुजार दो, ये मेहनत और मशक्कत और एक मुसलसल जद्दोजहद लेके ही आपने डिलीवर करके कुछ जाना है। और एंड वी हैव टू एवेलुएट के इन द एंड वो जो पर्पस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मेरे लिए हमारे साथ जोड़ के इस कायनात पे भेजना है वो भी तो हमने एक्सप्लोर करना है। बेशक। तो वो बड़े मकसद कहीं दूर रह जाते हैं, छोटे मकसद इधर रह जाते हैं। उस तंजीम और तरतीब के दरमियान, उस मनसूबाबंदी के दरमियान, इस एतकाद और ईमान को सामने रखते हुए, फिर ये तीनों चारों पर्सपेक्टिव के सामने रखते हुए हम अपना एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ढूंढ सकते हैं और वही रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचाता है। फरीहा क्या ऐड करना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है कि मंजिल का तायुन कर दिया, आप रास्ते का इख्तियार कर रहे हैं कि रास्ता कौन सा हमने जो है वो चुनना है, किस तरह से उस रास्ते का इंतखाब कर लिया, और फिर रिसोर्सेज को देखना कि आया हम इस मंजिल तक पहुँचने की अहलियत रखते भी हैं। यानी हमारे यहाँ ये भी होता है कि हम अपनी सोच से, अपने मैार से या अपने रिसोर्सेज से बढ़ कर एक मंजिल का तायुन कर लेते हैं, एक गोल को अचीव करने का सोच लेते हैं, एक टारगेट को अचीव करने का सोच लेते हैं, और फिर वो पहला हर्डल, वो पहला ऑब्स्टिकल, वो पहली ही मुश्किल हमें गिरा देती है, फिर हम उठने के काबिल नहीं होते। तो जब मंजिल का इंतखाब कर रहे हैं, मंजिल का तायुन कर रहे हैं, उसी वक्त हमें ये सोचना, ये देखना कि आया हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हमारे रिसोर्सेज हमें इजाज़त दे रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट हमें इजाज़त दे रहा है कि जो गोल, जो टारगेट, जो प्लानिंग हम करने जा रहे हैं वो मौसर साबित हो भी सकेगी या नहीं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारी सोच बहुत डिफर करती है। जी हुमा, आपके तो सवाल में ही उसका जवाब है कि कई दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन मैं ये सिर्फ ये इसमें ये कहूँगी कि आप जब भी कोई अपनी मंजिल या अपनी कोई भी गोल सेट करते हैं तो उसमें आपने कहा कि अपने रिसोर्सेज को या अपनी कैपेसिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन जब आपके हौसले बुलंद तब होंगे जब आपकी नज़र आसमानों पे होगी, आपकी मंजिलें ऊंची होंगी, तो फिर आप स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे। राजा साहब ने कहा कि कुछ लोग जी इनके वो जाने वाले हैं, वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म हो गई है। अब जब देखें आप बहुत से ऐसे लोगों से, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, शी साइकोलॉजिस्ट, कई दफ़ा मुझे डिस्कस भी करती हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने ये बहुत से लोगों में देखा कि जब वो बहुत सेटल हो जाते हैं लाइफ में तो वो बोरियत का शिकार भी हो जाते हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि वो रास्ते में आने वाली मुश्किलें और जहदे मुसलसल, ये तो वाकई में आपको जो है वो आपका इंटरेस्ट रखती हैं लाइफ। अगर आप लंबे अरसे के लिए खुश रहेंगे ना तो आप उस खुशी से बोर हो जाएंगे, आपको उस खुशी की वो अहमियत, लज़त और उसका जायका सब फीका लगेगा। और अगर आप बहुत कोशिश के बाद वो चीज़ अचीव करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ आपके लिए मीन्स अ लॉट फॉर यू, कि वो आपको लगेगा आपने बहुत कुछ कर लिया। तो ये जो आपकी बात है ना कि जी आप अपने रिसोर्सेज को सामने रख के अपनी मंजिल का तयन करें, मैं इससे थोड़ा सा ये सहमत नहीं हूँ। मेरा तो ये ख्याल है कि आप अपने जिनके इरादे बुलंद होते हैं वही लोग अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं। हाँ, और म्याना रवी जो है उसको तो हमने छोड़ना नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना ही एक एक्सट्रीम पे चले जाओ कि बहुत ही ज़्यादा हाई अपनी वो एस्टीम बनाओ उस पर जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा मायूसी और नाउमीदी पर चले जाओ, म्याना रवि भी रखो कि अगर मिल गया आप कोशिश करो, बहुत कोशिश करो, लेकिन साथ में अपने लाशौर में ये चीज़ बैठा के रखो कि अगर मैं कामयाब नहीं होता तो मैंने कोलैप्स नहीं हो जाना। और इस तरह से जो हमारे, अगर मैं ये मेरे बहुत सारे गोल्स हैं या एक फैमिली हमारे पाकिस्तान में, तो चले हम वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास फैमिली सिस्टम अभी भी मौजूद है, तो हमारा जो पार्टनर है लाइफ में या हमारे फैमिली मेम्बर्स उनमें से कोई, कि वो एक पहले जब हम थे तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो वो नानियाँ दादियाँ जो अच्छा जी मेरा ये गोल है, तो वो आपको ना वो बढ़ावा भी देती थी, साथ में ये भी बताते थे कि अगर नाकाम हो गए तो बेटा कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल वी आर हेयर। तो ये चीज़ जो है ना वो म्याना रवि उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर ये कह देना कि नहीं जी मेरे इतने रिसोर्सेज, आज इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ, तो लिहाजा मुझे फलानी चीज़ के लिए कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जी मेरी तो वहाँ पे कोई वर्ती नहीं होगी, जगह नहीं होगी, मुझे नहीं जाना चाहिए। सो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। सही,
जिंदगी जहद मुसलसल का नाम है, आप वो करते रहें और जो फल और उसका जो आप कहेंगे कि भाई उसका जो रिवार्ड है, इनाम है, वो अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। आप एक चीज़ जो मैं हमेशा चीज़ खुद भी नोट करती हूँ बीइंग अ लॉयर, कि मेरे पास कोई केस आ जाता है, मैं उस पर बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, और मुझे वहाँ से वो उस किस्म का आउटपुट नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह पाक ने तो मेरी मेहनत देखी हुई है, वो मुझे किसी और रास्ते से उसका आउटपुट मिल जाता है। तो मेरा इतना पक्का यकीन है, मैं कभी भी ये चीज़ तो जहन में नहीं रखती हूँ कि मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ तो मुझे इसका फल यहीं से अभी मिलेगा। मुझे पता है, कोई पता नहीं, वो 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 6 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, वो अल्लाह पाक उसका फल ज़रूर देगा, लेकिन वो शायद किसी और जगह से दे देगा। तो ये चीज़ें भी जो है ना हमारी तरबियत में, अगर शुरू में वो एक बात है कि अगर 7 साल तक बच्चों के माइंड में ये चीज़ लॉक कर दो कि बेटा जो भी है वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है। किसी ने मुझे कह दिया कि कोई नहीं जी, वो पार्किंग नहीं है तो गली में गाड़ी पार्क कर लें, तो वो गाड़ी पार्क कर देना, कोई बात नहीं है जी, अल्लाह तवक्कल भी आप कोई काम किया करें। तो मैंने कहा कि साथ में नबी पाक ने ये भी फरमाया कि अपनी जो है वो आप अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल कर लें। ये नहीं है कि मैं बैठा हूँ, अल्लाह मैं सुबह 4 बजे उठ के अल्लाह तवक्कल करके कमरे में धुनी रमा के बैठ जाऊँ कि भाई अल्लाह पाक जो है वो ऊपर से छत फटेगी और अल्लाह पाक मुझे यहाँ पे खाना भी दे देगा, पैसे भी दे देगा, मेरी जरूरत। ये सारी चीज़ें जो मियाना नबी और ये ज़िंदगी गुजारने के तरीके, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीरत तैयबा पढ़ लें, हमें हर चीज़ मिल जाएगी उसमें। बेशक बेशक। और वही चीज़ अगर वालदैन भी पढ़ें और बच्चों को भी, वो छोटी छोटी कहानियाँ, और वो जिस तरह से कहा ना कि वो जब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर मैं देखूंगा बच्चों का निसाब क्या है, बच्चों को कौन सी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो हमारे टाइम में तो वो छोटे छोटे वाक्यात और छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते थे, तो वो अब आए कोई ना कोई लेसन होता था, कोई ना कोई मोरल होता था। जी एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको भी जो हम समझते हैं कि ये वो छोटा सा पोर्शन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी आज की करंट जनरेशन की बात करूँ मैं, हम अपनी और आपकी बात करें, तो हम सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं और कोई भी वीडियो अगर 30 सेकंड के लिए हमारी अटेंशन ले लेती है तो उसको हम पूरा देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते हैं। या कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई हमारे सामने राइटिंग आती है, कोई मज़मून आता है, तो हम उसको पढ़ते हैं, तो somehow हम उससे कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेते हैं, चाहे वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो हम पे, लेकिन 1-2 दिन हम उसके असर में ज़रूर रहते हैं, और 1-2 दिन हम उस तरह से एक्ट और रिएक्ट करने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप कोशिश करते रहें, मंजिलें सामने रखें, जहदें मुसलसल करें, अपने हिस्से की जो मेहनत है वो करें, रिजल्ट जो है वो अल्लाह पाक पे छोड़ दें। हर चीज़ को आपने ज़िंदगी में प्लान करके नहीं रखना ना कि अगर मुझे ये ना मिला। हाँ, कुछ तो मैं प्लानिंग ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़नी है। बहुत खूबसूरत आपने बात की डॉक्टर साहब। जहाँ प्लानिंग्स हम ये बात करें कि हमने अपने हिस्से की करनी है, हमने कोई ना कोई एफर्ट करनी है, वहीं थोड़ी सी अगर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो एक मेजॉरिटी हमें ये भी नज़र आती है, एक तबका ऐसा भी है जहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। एक हमने प्रोफेशन का इंतखाब किया, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बन सके, हमारे मार्क्स मेरिट पे नहीं आए, हमारा एफएससी क्लियर नहीं हुआ, या एफएससी क्लियर हुआ तो मेडिकल कॉलेज में जाने की हम अहलियत नहीं रखते, उतने मार्क्स नहीं आए, हमारा मेरिट नहीं बना, वहाँ से दिल बर्दाश्ता होकर अब किसी और प्रोफेशन का इंतखाब नहीं करना, अब किसी और फील्ड का इंतखाब नहीं करना, या बहालत मजबूरी अगर कर भी लिया तो वहाँ दिल नहीं लग रहा, वहाँ हर वक्त एक सोच है कि मैं ये नहीं कर सका इसलिए मैंने ये किया। तो इससे बेहतर ये नहीं कि पेरेंट्स पहले से ही प्लान ए बी सी डी हमारे बच्चों को दें कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और ये ना हो सके तो आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है, एक और प्लानिंग मौजूद है जो कि हमने आपके लिए पहले से तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपकी एक अटेम्प्ट नहीं आती तो आप ये दूसरा री अटेम्प्ट कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते तो फील्ड चेंज कर लो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वालदैन की जानिब से तरबियत में बच्चों के ऐड ऑन होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे सवाल? जी हुमा, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, जो बात आप कर रही हैं, अगर ये अपने वालदैन जो अपने बच्चों को अगर चीज़ सिखाएं तो माशरे के मसाइल ख़त्म हो जाए। इसी के लिए हम प्री एक्वाइंट माइंड हैं कि मेरा बच्चा अगर डॉक्टर, इंजीनियर या आर्मी अफसर नहीं बनेगा तो शायद इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो हमें इसके साथ एक और चीज़ डॉक्टर साहब जोड़ दें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में बनेगा तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। जी बिल्कुल। तो ये हमने ना अपने बच्चों को अपने हम उसकी वजह ये है कि हम अपने बच्चों से ना अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते। देखिए अब तो सोशल मीडिया इतना आम हो गया, अब तो लोग जो है ना मोटिवेटर लेक्चर जो है ना वो लेक्चरर के सुनते हैं तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। मैं खुद कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे खुद बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा, मैंने बड़ी अच्छी चीज़ों की प्लानिंग की, बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बेताशा इदारों की वजह से, जब जैसे कि मेरिट की बात है ना, तो इदारों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, तो मैं भी बहुत जो है वो डीमोटिवेट हुआ। तो मुझे एक दफ़ा
जुनेद जमशेद मरहूम की एक जो है ना वीडियो मुझे देखने को मिली तो मेरे अंदर जैसे एनर्जी आ गई। तो मैंने देखा कि जुनेद जमशेद ने कहा है कि मैं लास्ट आखिरी 100 रुपये निकाल के मैंने अपनी बीवी को दिए और मैंने कहा कि ये आखिरी 100 रुपये हैं, अब मुझसे और कुछ ना मांगना, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। क्योंकि कहता है मैं म्यूज़िक छोड़ चुका था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि या ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं कि कपड़े का कारोबार करते हैं, 25 लाख तुम लाओ, 25 मैं लाता हूँ। वो जुनेद जमशेद ने कहा कि मेरे पास तो 25 लाख थे ही नहीं, मैं तो आखिरी 100 रुपये बीवी को दे के आ रहा था। तो बहरहाल मैंने कुछ बेच बटा के कुछ करके मैंने 25 लाख रुपये मैंने किए, 25 लाख उसने किए। तो हम दोनों ने मिल के जो है ना वो कपड़े बनवाए और जब पैटर्न गलती से क्या हुआ, पैटर्न छोटे कट गए, लार्ज जो है ना वो मीडियम हो गया, मीडियम स्मॉल हो गया, स्मॉल उससे भी छोटा हो गया। कह रहे कि जब बन के आ गए मेरे पास तो पैसे पहले ही पैसे नहीं थे, पहले ही मैंने कुछ बेच बटा के मैंने किया था। कह रहे मैं तो इतना सख्त परेशान हुआ कि अब क्या करूँ। तो मैं इतना इसी परेशानी के आलम में था कि जो है ना किसी ने कहा कि जी बांग्लादेश से कोई पार्टी आई है तो उन्होंने जो है वो उनको चाहिए ईद पे उनको कपड़े चाहिए लेकिन उनके पास टाइम भी कम है। तो वो कहने लगा मैंने उनसे बात की तो मुझे तो हैरत ज़्यादा में रह गया जब उन्होंने कहा कि हमें ना पैटर्न थोड़ा सा छोटा चाहिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ बांग्लादेश में थोड़े कद के छोटे लोग होते हैं, ये लार्ज को मीडियम चाहिए, मीडियम को स्मॉल चाहिए, स्मॉल को उससे छोटा चाहिए। कहता जो चीज़ जो है ना मैंने 2 महीने में बेचनी थी वो 2 दिन में बिक गई और पैसे भी ज़्यादा आ गए। तो सेम मेरे साथ भी सेम वैसा ही हुआ कि मैं इतना परेशान हुआ कि मैंने एक प्रोडक्ट पर इतना ज़्यादा पैसा लगाया, इतनी रिसर्च की कि पूरी दुनिया में जो है वो कोई ऐसा डॉक्टर क्लेम नहीं करता कि जो टाइफाइड का जो एंजाइम है बैक्टीरिया है उसका टाइफाइड का उसको नेगेटिव कर दे आईजीएम को 5 दिन में। तो मेडिकल साइंस कहती है 90 डेज में नेगेटिव होता है। मैं इतना हैरान था कि मेरी चीज़ इतनी रिसर्च है, जो नहीं मानता वो इसको एक्सपेरिमेंट करके देख ले। तो मैं इतना परेशान था, फिर भी मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, मैं इतना हैरान था। और आखिर में क्या हुआ कि मुझे अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो ये कह के रोकनी पड़ गई कि NIC जो है देख के एक बंदे को एक प्रोडक्ट दो। तो मैंने अपने एक दोस्त से उस दौरान मशवरा किया कि यार देखो मैं सब कुछ मेरा स्टक हुआ पड़ा है, कभी ड्रैप की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, मेरा ब्रांड नेम चेंज कर दिया, जब मैं प्रिंटिंग करवा चुका 10,000 पैक की मैं प्रिंटिंग करवा चुका तो ड्रैप को याद आ गया कि जी इसका नाम सेल्मोटाइफी है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो सेल्मोनेला टाइफी से मिलता जुलता है। तो मैंने वो कहा कि बहुत से ब्रांड ऐसे जिनके नाम उनसे मिलते जुलते हैं, कहते हैं जी वो पहले जो हो गया अभी ऐसा नहीं होगा। तो मैं इतना परेशान हुआ तो मेरे दोस्त ने मुझे जो है ना वो एक शेर सुनाया, तो उसने कहा कि खुशी के गम भी, खुशी के दिन भी आएंगे नासिर, गम भी मिले हैं तमन्ना किए बगैर। क्या बात है। तो मुझे कहा कि आप इस पे काम करते रहे। तो मुझे मेरे जहन में उस टाइम सोच भी नहीं थी कि कभी COVID-19 भी आएगा, तो जो मेडिसिन मुझे साल में बेचनी होगी मेरे 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी और मुझे उसके लिए जो है ना NIC की शर्त रखनी पड़ेगी कि आप NIC लेके आएँ तो फिर हम आपको जो है ना एक ब्लिस्टर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि डेस्टिनी जो है वो डिफाइन है, हमें सिर्फ जो है ना मेहनत करनी है, ईमानदारी से काम करना है और हमारी जो मेहनत और ईमानदारी जो है वही काउंट होगी। इसलिए हम देखें ना कभी कोई बुरी चीज़ की नियत करते हैं हमें उसकी उसका जो है ना सज़ा नहीं मिलती, लेकिन जब अच्छी चीज़ का इरादा करते हैं तो अल्लाह हमें उस दिन से उसका रिवार्ड देना शुरू कर देते हैं। यकीनन ऐसे ही डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने की और आपकी इसी बात के साथ आज के इस प्रोग्राम के हम इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, चाहे कौमी तरक्की के हवाले से बात हो, माशरती तवाज़ुन को बरकरार रखने के हवाले से बात हो और इसमें मैरिट के कल्चर को प्रमोट हम किस तरह से कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे समझ सकते हैं। ना सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है बल्कि इनको हर मुमकिन अंदाज में पूरा करने की भी कोशिश करनी है, अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर बनाना है। आज हमारे पास जहां हम बहुत सारी नेगेटिविटी को देखते हैं कि COVID-19 की सूरत हाल है, लॉकडाउन पीरियड है तो हम स्टक हो गए, वहीं अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो हमारे पास बेहतरीन वक्त है कि हम अपने बच्चों को वो तमाम आदात सिखा सकते हैं, वो तमाम अच्छी बातें बता सकते हैं जिसके लिए हम ये कहते होते थे कि हमारे पास काश टाइम हो तो हम अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर बना सकें, इसको इम्प्रूव कर सकें, इनमें वो तमाम चीज़ें इनकलकेट कर सकें जो कि हम करना चाहते हैं। तो इस टाइम को भी बेहतरीन जानते हुए और मानते हुए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर हमारे अंदर विल है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट डेवलप करें, इंशाल्लाह हमारे बच्चे और हम कामयाबी हासिल करेंगे। यही पैगाम है, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह की।